A very good evening to all of you. This is Devishish Pandey. I welcome you all to Prime Time with Devishish on our channel, jiska naam hai Judiciary World, a one-stop solution to cater all the needs of the judicial aspirants. Kaise hain aap log? Sabse pehle, let's have a quick tech check before we begin our session. Am I clearly visible and audible to everyone? Can I hear a yes or no? Main clearly visible, audible hoon to everyone? गुड इवनिंग शीतल जी, ब्लीथे जी, अभिषेक चौरसिया जी, गुलबहार जी, श्रद्धा जी, गुंजन कुमारी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी विशेस. कैसे हैं आप लोग? मैं क्लियरली विजिबल ऑडिबल हूँ, राइट? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंजलि जी. एक बार और बस कर देता हूँ 8:30 पे लाइव नाउ. बस वी आर स्टार्टिंग. आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है. मुझे ऐसा खुद से अंदर से लग रहा है कि आज का सेशन अच्छा होने वाला है, क्योंकि आई हैव ब्रॉट समथिंग वेरी यूनिक फॉर यू टुडे. बात करते हैं इसके बारे में. सारे काम हम सॉर्ट कर लो, अगला एक घंटा मुझे दो, ठीक है? एंड आई होप दिस नेक्स्ट आवर विल बी मीनिंगफुल टिल द टाइम यू ऑप्ट लॉ एज अ प्रोफेशन, ठीक है? चाहे आप जज बने, चाहे आप वकील बने, टीचर बने, कुछ भी करें, ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है. मैं बस इतना कह सकता हूं आपसे. सो द आइडिया इज कि नेक्स्ट वन आवर लूंगा, ठीक है? साथ रहना, सारे काम छोड़ दो, एक घंटा बस ध्यान रखना, ठीक है? सर आप लेट आए हो? नहीं नहीं नहीं, मैं पहले आ गया था 8:30, 8:30 वाज द टाइम. आई वाज शार्प 8:30. शालिनी जी गुड इवनिंग, निकिता जी, शिव जी, चौबीस जी, चलो शुरू करते हैं, ठीक है? अब वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज शाम, संडे शाम का ठंड का मौसम है. मैं जहां पे रहता हूँ वहां पे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया है, तो सेल्सियस चला गया टू बी प्रिसाइज, 2 से 3, तो बहुत ठंडक है. आई नो आप सब लोग भी अपने कंफर्ट जोन में होंगे. एक घंटा निकाल लो आज, एक सीपीसी की ऐसी अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ ना, जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? सीआरपीसी आपने मेरे से पढ़ी है, बहुत तारीफ सुनी मैंने, आप बहुत सारा प्यार मिला सीआरपीसी के लिए. नेक्स्ट 1 आवर, सिर्फ 1 आवर दे दो. 1 आवर भी नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूँ 20 मिनट सुन लो मेरे को, उसके बाद खुद ही छोड़ने का मन नहीं होगा. और एक घंटे बाद जो सीपीसी की आज बात समझ में आएगी, तुम्हें खुद सेटिस्फेक्शन होगा रात को जब सोने जाओगे कि तुमने कोई लॉ सीखा है, ठीक है? आज के बाद मत देखना सेशन तो भी चलेगा. दिस सेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हाफ एन आवर इज ऑल दैट आई डिमांड फ्रॉम यू. मेरी बात सुनना बस. मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन. माई नेम इज देवशीष पांडे, ठीक है? क्लियर जुडिशियल सर्विसेज मेन्स एग्जाम, LLB, LLM ऑनर्स, क्रिमिनल लॉ स्पेशलाइजेशन, अनअकैडमी प्लस एजुकेटेड फ्रॉम लास्ट 1 ईयर. सब्जेक्ट सारे ही पढ़ा रहा हूँ और विद टाइम आपको समझ में आ जाएगा हाउ डू आई टीच. हमारा बैच 26 जनवरी पे शुरू हो रहा है, उसके बारे में वी विल बी टॉकिंग अबाउट, ठीक है? शुरू करते हैं अपनी कहानी विदाउट एनी डिले. अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन हु इज हेयर, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ठीक है? थैंक यू सो मच, अ वेरी मच थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड हेयर. बस एक घंटा दे दो मुझे, ठीक है? फिर अपन बात करते हैं कि अपन ने कहां से शुरू किया था, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? शुरू करते हैं. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट. सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है? हमेशा ऐसा होता है कि आपको लगता है कि सर सीपीसी में प्रॉब्लम आता है, ठीक है? सीआरपीसी तो फिर भी हम कुछ हद तक काउंटर कर लेते हैं, बट एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि सीपीसी में सर प्रॉब्लम आता है. आज के सेशन में वी विल डिस्कस द एंटायर सीपीसी इन 1 आवर. मैं आपको जिस तरह की से सीपीसी समझाऊंगा, आप देखोगे कि पूरे बेयर एक्ट से कंप्लीटली आप फेमिलियर हो जाओगे एक घंटे के अंदर, ठीक है? शुरुआत के 10 मिनट मैं कुछ बेसिक्स बताने वाला हूँ. फर्स्ट 10 मिनट्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम बेसिक्स, जो भी आपकी जानकारी के लिए जरूरी है. उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द स्टेजेस ऑफ अ सूट, ठीक है? एक सूट जब फाइल होता है तो वो कैसे स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है उसको पूरा समझेंगे. छोटा सा एक चार्ट होगा, छोटा सा, ठीक है? उस चार्ट को हम एक्सटेंड करेंगे और बाय द टाइम दिस सेशन एंड्स यू विल फील लाइक यू हैव रेड द एंटायर सीपीसी. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दिस इज हैपनिंग ऑन अवर चैनल जुडिशरी वर्ल्ड, ठीक है? और ये वीडियो बहुत आगे तक जाने वाला है और जिस जिसको ये वीडियो मिलेगा वो हमेशा याद करेगा कि देवशीष सर ने सीपीसी पढ़ाया, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है?
हाँ मैं सब बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, सबके कमेंट्स लेंगे, पहले जरा समझ लेते। देखो हमारे देश में जो लॉ होते हैं वो बेसिकली दो पार्ट्स में बटे होते हैं। एक होता है आपका सब्सटैंटिव लॉ, एक होता है आपका सब्सटैंटिव लॉ, ठीक है, और एक होता है प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। सब्सटैंटिव लॉ का काम बेसिकली क्या होता है, सब्सटैंटिव लॉ आपको कोई लीगल राइट देता है, इट गिव्स यू, बिल्कुल सरल भाषा में समझ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, गिव्स यू अ लीगल राइट, लीगल राइट एंड ऑल्सो द रेमेडीज फॉर द सेम, फॉर द रेमेडीज, ठीक है। अगर हम सिविल सिविल की बात करें, सिविल केसेस की बात करें, सीआरपीसी पे अभी नहीं जाते, तो जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका एक सब्सटैंटिव लॉ है, ठीक है, जो बताता है अगर आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये आपका एक राइट था जो एग्जिस्ट कर रहा था, सामने वाले ने अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया, एंड हेंस यू गेट अ लीगल राइट ऑफ ऑब्टेनिंग डैमेजेस फ्रॉम, या फिर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका लीगल राइट था कि आपको आपके जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस थे, अगर आपने अपना पार्ट परफॉर्म किया है तो सामने वाली पार्टी भी अपना पार्ट परफॉर्म करे। व्हेन ही डजंट परफॉर्म्स इट, ही हैज एक्चुअली वायलेटेड योर लीगल राइट एंड द रेमेडी दैट इज अवेलेबल इज डैमेजेस और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कि सर हम डैमेजेस का सूट डाल सकते हैं, हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं, हम इंजंक्शन की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सब्सटैंटिव लॉ का कंसेप्ट है, ये हमारी जो मैक्सिम होती है, यू बी जस ई बी रेमेडियम, आपने सुना होगा, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, ठीक है, ये चीज सब्सटैंटिव लॉ देता है, ठीक है। अब ये बात आप सबको पता है कि जितने भी हमारे सब्सटैंटिव लॉ होते हैं वो लीगल राइट आपका गारंटी करते हैं, और अगर आपका लीगल राइट वॉयलेट हुआ है तो उसकी क्या रेमेडी आपके पास अवेलेबल है, इसकी बात सब्सटैंटिव लॉ होते हैं। नाउ व्हाट डज प्रोसीजरल लॉ डू, प्रोसीजरल लॉ सिंपल भाषा में ये जो रेमेडीज आपकी हैं, जो रेमेडीज हैं उनका एनफोर्समेंट करते हैं, एनफोर्समेंट करते हैं। रेमेडीज आपको मिलेंगी, आपका एक राइट एग्जिस्ट करता था, आपके उस राइट का वॉयलेशन हुआ, तो लॉ ने, सब्सटैंटिव लॉ ने आपको एक रेमेडी प्रिस्क्राइब की, बट वो रेमेडी आप कोर्ट में जाके किस तरीके से अवेल करोगे, दिस क्वेश्चन इज डेल्ट बाय द प्रोसीजरल लॉ। इट टेल्स यू द प्रोसीजर, प्रोसीजर टू अवेल दैट रेमेडी, ठीक है, दैट रेमेडी, कि वो रेमेडी आपका डैमेजेस हुआ, ठीक है, या आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डालना है, या कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, आप प्लेन से करोगे, सामने वाला डब्ल्यूएस देगा, सारी चीजें आएंगी। तो जो प्रोसीजर है जस्टिस पाने का, जो सब्सटैंटिव लॉ में एनश्राइंड है, उसके लिए जो मैकेनिज्म है, दैट इज डेल्ट विद इन द डोमेन ऑफ प्रोसीजरल, ठीक है। पहली बात यह समझ में आई। तो अगर मैं इसको चार्ट फॉर्म में ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको चार्ट फॉर्म में ऐसे लिखूं कि आपका सब्सटैंटिव, सब्सटैंटिव सिविल लॉ है, सब्सटैंटिव सिविल लॉ है, जिसमें आपके सारे लॉज आ सकते हैं, आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, और भी इंडीड सीपीसी बहुत सारे और पे भी लगता है, सारफेसी से लेकर कोई भी लॉज देखेंगे सिविल लॉज, तो उन पे सीपीसी का एप्लीकेशन होता है। अगर मैं कहूँ सब्सटैंटिव लॉ में जो भी आपकी रेमेडीज दी हुई है फॉर द वॉयलेशन ऑफ द लीगल राइट, उनको अचीव करने के लिए या उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड प्रोसीजरल लॉज, फॉर एग्जाम्पल सीपीसी और लिमिटेशन एंड इंडियन एविडेंस। तो क्या ये बात आपको जचती है, मतलब मेरा एक सब्सटैंटिव लीगल राइट था, एक सिविल राइट था मेरा, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट जो एग्जिस्ट करता था, उसने वो राइट मेरा वॉयलेट किया, उस राइट को वॉयलेट करने से मेरे पास कुछ रेमेडी आई जो सब्सटैंटिव लॉ में लिखी है, लेकिन उन रेमेडीज को अगर मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में जाके एनफोर्स करना है तो मुझे सीपीसी की मदद चाहिए होगी, क्योंकि सीपीसी एक मैकेनिज्म ड्रॉ करता है कि आप उस सब्सटैंटिव लॉ के अंदर दी गई रेमेडी को अवेल कैसे कर सकते हो। उसके साथ लिमिटेशन एक्ट पढ़ा जाता है जिसमें एक मैकेनिज्म दिया हुआ है कि कितने टाइम में आपको सूट फाइल करना है, और साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट आता है जो बताता है कि जो भी प्रोसीजर है उसमें जो एविडेंसेस हैं उनको कैसे अप्रिशिएट किया जाएगा और कैसे हम कॉन्क्लूजन पे पहुंचेंगे कि आपका लीगल राइट वॉयलेट हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके आधार पे आपको क्या रेमेडी मिलनी चाहिए। इफ यू हैव दिस चार्ट देयर इज नो प्रॉब्लम। सब लोग बस एक बार यस थम्स अप बोल देंगे, सब लोग यार वीडियो लाइक कर देना, मेरा टेलीग्राम पे अपना पर्सनल ग्रुप है देवशीष पांडे जुडिशरी अन अकेडमी, ये बात लिखोगे तो आपको एक टेलीग्राम मिलेगा, ग्रुप 800-900 मेंबर्स का है,
ओपन चैट ग्रुप है, आप अपने कंसर्न्स डाउट सब लिख सकते हो, मतलब गरिमा बनाए हुए उस ग्रुप की, और मैं जब टाइम मिलता है तो उसको आंसर करता हूँ, सो यू कैन ज्वाइन दैट। ठीक है, एक छोटी सी चीज और समझ लो, मान लो सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ है, सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ है तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है अपना सीआरपीसी पे, लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता। ठीक है, वहां पे लिमिटेशन के लिए अपने प्रोविजन है जो देते हैं कितने टाइम में कॉग्निजेंस लिया जाएगा और उसकी अलग बात है। तो कहने का मतलब अगर मेरा सब्सटैंटिव लीगल राइट सिविल का वॉयलेट होता है तो उसका जो रेमेडी होता है वो हम सीपीसी में लिमिटेशन के साथ और इंडियन एविडेंस एक्ट को मद्देनजर रखते हुए इन तीनों चीजों को एक साथ कंजॉइंटली पढ़ते हुए उस रेमेडी को एनफोर्स करेंगे इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। और अगर सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ है तो उसका सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के आधार पर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू टू हैव अ ब्रॉडर पिक्चर, मैं सबसे कहना चाहता हूं जितने भी स्टूडेंट्स हैं सिर्फ आधे घंटे मेरी बात सुन लो। ठीक है, आई विल मेक श्योर दैट दिस हाफ एन आवर, दिस नेक्स्ट हाफ एन आवर विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाफ एन आवर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो अपन ने यह समझा कि हमारा कोई लीगल राइट एग्जिस्ट करता है, उसको किसी ने वॉयलेट किया, तो हमारे पास कुछ रेमेडी है जो सब्सटैंटिव लीगल लॉ में हमारे पास अवेलेबल है, उसका जो मैकेनिज्म है उसको एनफोर्स कराने का तरीका है, या कोर्ट ऑफ लॉ में जाके ये बोलना कि मेरा लीगल राइट वॉयलेट हुआ है इसकी ये रेमेडी आप मुझे दिलवाइए, दैट इज लेड डाउन इन सीपीसी अलॉन्ग विद लिमिटेशन एक्ट एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट। कि भाई लिमिटेशन एक्ट बताता है कितने टाइम में आपको करना है, और इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है कि इफेक्टिवली क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है वाइल टेकिंग एविडेंसेस। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। तो पहला पॉइंट हमारे दिन का ये था, एक सिंपल पॉइंट है, सिर्फ तीन पॉइंट्स मुझे छोटे छोटे बताने ताकि आप फेमिलियर हो जाए सीपीसी क्या है, उसके बाद हमारा मेन क्लाइमेक्स शुरू होगा जिसमें मैं आपको पूरा सीपीसी आधे घंटे में खत्म करा दूं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा एक छोटा सा पॉइंट समझ लो, आपके बहुत काम आने वाला है मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, और प्री के क्वेश्चंस में भी। वो ये है कि अगर मैं बोलूं कि प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस, हैंडमेड ऑफ जस्टिस जस्टिस एंड नॉट इट्स मिस्ट्रेस, नॉट इट्स मिस्ट्रेस, तो ये बात सैलम एडवोकेट का एक केस है जिसने सीपीसी की बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया है, स्पीडी ट्रायल के बारे में बात किया है। बेसिकली आपको यहां पे ये समझाना चाहता हूं कि मेन जो लॉ है वो हमारा सब्सटैंटिव लॉ, और जब आपने ये बात समझ ली कि सब्सटैंटिव लॉ को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हमारा प्रोसीजरल लॉ, तो लॉ ये समझाता है दैट व्हेनेवर यू आर इंटरप्रेटिंग सीपीसी, सीपीसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है, व्हेनेवर यू आर इंटरप्रेटिंग द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यू हैव टू ऑलवेज हैव अ लिबरल इंटरप्रिटेशन। दो इंटरप्रिटेशन होती है, एक होती है लिटरल इंटरप्रिटेशन, एक होती है लिबरल इंटरप्रिटेशन। लिटरल मतलब जो एक्ट में लिखा है उसी के आधार पर चीजें होंगी, लिबरल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आप इन मतलब आपको लगता है कि नेचुरल जस्टिस या इक्विटी गुड कंसाइंस के आधार पर आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो उसको हम लिबरल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो यहां पर आपको बेसिकली समझना है कि जो प्रोसीजरल लॉ है उसका ऑब्जेक्टिव है टू अचीव जस्टिस। अगर आप किसी कोर्ट में पहुंचे हो, अगर आपकी कोई सिविल रेमेडी रेमेडी थी जो वॉयलेट हुई है, तो आप कोर्ट में पहुंचे हो तो उसमें मेन चीज क्या है, आपका लीगल राइट जो एग्जिस्ट करता था जो किसी ने वॉयलेट किया जिसके लिए आपके पास कोई रेमेडी थी। द प्रोसीजर इज जस्ट मेंट टू फैसिलिटेट दैट कॉज ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को फैसिलिटेट करने के लिए सीपीसी सीआरपीसी बाकी प्रोसीजरल लॉज दिए गए, लिमिटेशन एक्ट या इंडियन एविडेंस। मेरी बात समझो, अगर कोई इस तरीके का मैकेनिज्म नहीं होगा जिसको सीपीसीएस या सीआरपीसी आप बोलते हो, तो हर एक आदमी अपने आधार पे प्रोसीडिंग्स चलाएगा और पूरा कोर्ट में केओस हो जाएगा। जज साहब किसी की एक तरीके से बात सुन रहे हैं, कोई जज साहब किसी तरीके से बात सुन रहे हैं, तो द एंटायर 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 बिल्डिंग ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम विल कोलैप्स, राइट? सो इन ऑर्डर टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस स्मूथ दिस प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन। इसका कहने का मतलब है कि बेसिकली अगर हम ये कहें कि सब्सटैंटिव लॉ जो है वो हमारा सुप्रीम है और प्रोसीजरल जो लॉ जो है वो उसको असिस्ट करता है, इट इज सबवियंट टू द सब्सटैंटिव लॉ। इसका मतलब अगर कहीं पे भी ऐसा हो रहा है कि प्रोसीजरल लॉ में कुछ भी हुआ, 30 दिन में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना, अभी सामने वाला कह रहा है कि सर हम बीमार है या हम नहीं आ पा रहे, आपने उसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन कर दी कि 30 दिन में नहीं है तो छोड़ो इसका लोई मत, एक्सपायर्टी चला दो, ठीक है, तो इससे क्या हुआ,
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है उसका फेलियर हुआ, ठीक है। तो द एंटायर आइडिया व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोसीजरल लॉज हैज टू बी डन इन ऑर्डर टू अचीव द एंड्स ऑफ जस्टिस। एक और लाइन लिखना चाहो तो लिख लो, दैट प्रोसीजर हैज टू एक्ट एज अ लुब्रिकेंट एंड नॉट अ रिस्ट्रेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये सारी बातें सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन स्टेट ऑफ तमिलनाडु में बोली गई थी, जिन्होंने ये बातें समझाई थी कि सीपीसी को आप किस तरीके से इंटरप्रेट करिए और कैसे उसको यूज करिए। बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था, एडजॉर्नमेंट, एफिडेविट, सब चीज के बारे में बताया था। उस केस के बारे में कभी हम बात करेंगे, लैंडमार्क केस है व्हेन इट कम्स टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट व्हेन एवर यू आर रीडिंग अ प्रोसीजरल लॉ यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड व्हेन यू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर देन ऑल्सो यू हैव टू हैव अ लिबरल इंटरप्रिटेशन इन ऑर्डर टू अचीव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये दूसरी बात समझ में आ गई। अब तीसरी एक और छोटी सी बात है, उसके बाद अपन अपने क्लाइमेक्स पे मूव करेंगे, ठीक है। आधे घंटे का समय मांगा है मैंने आपसे और अभी सिर्फ 10 मिनट हुए, ठीक है। तीसरी चीज बेसिकली सीपीसी करता क्या है, देखो मैं एक बात समझाता हूं आपको, मैं बात समझाता हूं कि जब भी हम सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ दोनों की बात करते हैं तो दोनों ही लॉज जो होते हैं वो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट का काम करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मैंने आपको सीआरपीसी पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था कि एक तरफ सोसाइटल इंटरेस्ट होता है कि सोसाइटी की सिक्योरिटी और वो वैसा कोई ऑफेंस किसी और के अगेंस्ट ना हो, या वो इंसान जिसने कोई ऑफेंस किया है ही इज अ थ्रेट अगेंस्ट द सोसाइटी, इसलिए एक तरफ सोसाइटल इंटरेस्ट होता है कि उस अक्यूज्ड को अगर वो उसने वाकई में वो ऑफेंस किया है तो उसको सजा मिले, एक तरफ ये चीज होती है, और दूसरी तरफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है कि उसका आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्ट करना है, ही इज नॉट गिल्टी अंटिल ही इज प्रूवन, ठीक है। तो ये जो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है ये काम करती है सीआरपीसी। ये मैंने आपको समझाया था, अगर आपको सीआरपीसी की मेरी क्लासेस याद हो, कि भाई बेल का प्रोविजन है, अरेस्ट का जो प्रोविजन है, या जितनी भी चीजें हैं वो सब इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हमें दोनों इंटरेस्ट को बैलेंस करना है। एक तरफ हमें सोसाइटल इंटरेस्ट को बैलेंस करना है कि भाई ये जो व्यक्ति है जिसने कोई ऑफेंस किया इज अ थ्रेट टू अ सोसाइटी, सच एन ऑफेंस शुड नॉट बी रिपीटेड बाय एनीवन एंड हेंस ही शुड बी पनिश्ड इफ ही हैज डन एन ऑफेंस। टू द अदर साइड वी हैव टू आल्सो प्रोटेक्ट हिज राइट टू लाइफ एंड ही इज इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी। तो ये जो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट अपन ने सीआरपीसी में पढ़ा था वैसा ही बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट सीपीसी में भी होता है, बस फर्क इतना है दैट सीपीसी डज अ बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स। जब हम सीपीसी की बात करते हैं तो ये करता है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट अमंगस्ट इंडिविजुअल्स, ठीक है। और जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी भी बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट ही करता है, लेकिन एक साइड पे सोसाइटी होती है उसमें और एक साइड पे इंडिविजुअल होता है जो बेसिकली अक्यूज्ड होता है इन अ केस, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट की एक छोटी सी बात समझ लो, ये सारी बातें जब आप लॉ को इंटरप्रेट करने जाओगे तो आपको काम आएंगा, ठीक है। अब हम अपनी मेन बात पे चलते हैं और अब मैं चाहूंगा कि आप आधा घंटा मुझे दें, ठीक है। देखो मेरा सीपीसी में वी आर हैविंग दिस क्रैश कोर्स, ठीक है। मेरे को 5 से 6 दिन में सीपीसी खत्म करने को बोला गया, ठीक है। अभी नाउ हाउ आई विल वर्क ये समझो। आज मैं आपको पूरा सीपीसी एक धागे से लेकर पूरा डिकोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। कल से हम अपनी रेगुलर सेशन स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम सारे टर्म्स को समझेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जो भी लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, तो वो आज का सेशन भी अगर करते हैं ना तो भी उनका बहुत फायदा हो जाएगा, वो अगर कल से नहीं भी आ पाते हैं तो, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको सीपीसी सीखनी है तो आप आ सकते हो 5-6, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी आपको बस इतना काम करना है, मेरी एक छोटी सी बात माननी है कि आप प्रिज्यूम करिए फॉर द टाइम बीइंग दैट यू आर एक्चुअली अ सिविल जज, ठीक है। आप सिविल जज जूनियर सीनियर डिविजन हो, आप जज हो, आप बैठे हुए हो, ठीक है, कोर्ट में बैठे हुए, ठीक है। और हाइपोथेटिकली अज्यूम करो कि आपका कोई एक फ्रेंड है वो प्लेंटिफ है और कोई एक दूसरा फ्रेंड है जो डिफेंडेंट है, बस इतना इमेजिन करना, ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं। देखो किसी भी कोई भी केस होगा, कोई भी सूट होगा, वो अगर कोर्ट में आएगा तो उसके लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कॉज ऑफ एक्शन की। पहली चीज होगी कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन।
इसमें क्या होगा, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, आपको मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूं, कल इस पर डिटेल में भी बात करें। तो कॉज ऑफ एक्शन सिंपली मींस दैट देयर एग्जिस्टेड अ लीगल राइट एंड दैट राइट हैज बीन वायलेटेड। अगर आपको कॉज ऑफ एक्शन देखना है या कॉज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन लिखनी है या अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है दे व्हाट इज अ कॉज ऑफ एक्शन, यू जस्ट हैव टू से दैट एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट एंड इट्स वायलेशन इज द कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, तो अगर हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, या कोई भी प्रॉपर्टी का हमारा सेल या कुछ भी हुआ है फॉर दैट मैटर, तो उसमें अगर हमने अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया तो मेरा या आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। तो किसी भी सूट की शुरुआत पहली चीज जो आएगी वो होगी दैट अ कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। कॉज ऑफ एक्शन का क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट एंड इट्स वॉलेशन। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, भाई चलो हम अग्रीव्ड हो गए, मेरा एक लीगल राइट एग्जिस्ट करता था एंड दैट राइट हैज बीन वॉलेटेड, सो नाउ आई एम अग्रीव्ड बाय दैट इंस्टेंस। तो अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं कोर्ट में जाऊंगा एंड द फर्स्ट स्टेप दैट आई विल बी टेकिंग इज फाइलिंग अ प्लेंट। एक प्लेंट फाइल करूंगा, ठीक है। ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 में जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग के बारे में और प्लेंट के बारे में बात होती है। तो पहली चीज क्या होगी, जो आपका दोस्त था वो अग्रीव्ड था, आपके दो दोस्त थे, एक प्लेंटिव था एक डिफेंडेंट, राइट। प्लेंटिव जो था उसके साथ कोई भी उसका लीगल राइट वॉयलेट हुआ और उसको उस लीगल राइट के एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट अप्रोच करना था, तो उसने सिंपल बात बोली कि यार कैसे किया जाए, तो उसको किसी दोस्त ने बताया कि तुम जाके प्लेंट फाइल करो। पहला स्टेप यही होगा कि आपने प्लेंट फाइल किया। अब नाउ जब आप प्लेंट को समझने जाते तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। वो इंसान जब प्लेंट फाइल करने जाएगा तो देयर विल बी सम रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, कि उसको क्या क्या लिखना है प्लेंट में या क्या क्या एवरमेंट्स करने, देयर विल बी सर्टेन रूल्स जो ऑर्डर 6 में लेट डाउन, ठीक है। जैसे आपको लिखा हुआ है कि वो डुप्लीकेट में फाइल होनी है, ठीक है, प्लेंट डुप्लीकेट में फाइल होगी। फिर कुछ और प्रिंसिपल्स हैं जो ले डाउन करते हैं कि साहब प्लेंट कौन फाइल कर सकता है, हु कैन फाइल अ प्लेंट, क्या पार्टीज, अब जैसे प्लेंट का ये समझ में आ गया। फिर ये समझना होगा कि यार कोई सूट है तो उसमें प्रॉपर पार्टी, नेसेसरी पार्टी कौन सी होंगी जिसकी वजह से हमारी जो रेमेडी जो हम इन्फोर्स करने जा रहे थे कोर्ट ऑफ लॉ में वो प्रॉपरली एनफोर्स हो पाए, तो अपन पार्टीज को समझेंगे, ठीक है। फिर ये होगा कि चलो यार प्लेंट तो फाइल करनी है, ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं कहां फाइल करूंगा, तो हमें डिसाइड करना होगा ज्यूरिसडिक्शन। मान लीजिए हमने कहीं एक जगह पे ज्यूरिसडिक्शन, आपको पता है पिक्यूनरी हो सकती है, टेरिटोरियल हो सकती है और सब्जेक्ट मैटर हो सकती है, ये तो पता ही होगा, पिक्यूनरी हो सकती है, टेरिटोरियल हो सकती है और सब्जेक्ट मैटर हो सकती है। तो जब आप प्लेंट एक फाइल करने जा रहे हो, आपका दोस्त जो आपके पास एक सजेशन लेने आया था, आप एक जज हो लेकिन आपका दोस्त एक प्लेंटिफ है, तो उसको प्लेंट फाइल करनी थी, उसने कहा यार मुझे प्लेंट फाइल करनी है, तो आपने कहा ठीक है कर लो, एक काम करना ये रूल से देख लेना, ठीक है, इसमें एवरमेंट्स करना, एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, डुप्लीकेट में करना, कौन फाइल कर सकता, तुम्हारे साथ और भी कोई अग्रीव्ड है तो तुम ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज कर लो, तुम्हारा क्या कॉज ऑफ एक्शन था, तुम एक्चुअली में डायरेक्टली इंटरेस्टेड, तुम एक प्रॉपर पार्टी हो या नहीं हो, नेसेसरी पार्टी हो या नहीं हो, वो सारी चीजें। फिर उसने कहा हाँ ये सब चीजें तो सही है, फिर बात आती अच्छा किस कोर्ट में फाइल करें, तो उसने कहा यार देखो ज्यूरिसडिक्शन पे देख लो, पिक्यूनरी मतलब मॉनिटरी लिमिट, टेरिटोरियल मतलब किसी टेरिटरी में, और सब्जेक्ट मैटर आप समझते हो किसी भी सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन मतलब स्पेसिफिक केसेस से डील करने के लिए, स्पेसिफिक लॉ से डील करने के लिए अलग अलग कोर्ट्स होती हैं। अब मान लो आपने क्या किया, इसी में कुछ चीजें और आ जाएंगी, ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल और आ जाएंगी, जैसे आपका फिर ट्रांसफर ऑफ केसेस आ जाएगा कि भाई यहां पे नहीं होनी चाहिए, कहीं और जानी चाहिए आपकी प्लेंट, तो ट्रांसफर ऑफ केसेस हो जाएंगे कि किसी दूसरे की कन्वीनियंस नहीं है, तुमने यहां फाइल कर दी तो उसने बोला सर हम 22 से 25 के अंदर इसको ट्रांसफर करवा के किसी और कोर्ट में भेज देंगे, ठीक है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है चार्टर हाई कोर्ट्स का, ठीक है, ये लेटर पेटेंट अपील से डील करते हैं, इसके बारे में अपन कभी समझेंगे अगर टाइम मिला, प्लस कोर्स में तो समझेंगे लेकिन इसको देखेंगे, लेटर पेटेंट अपील, ठीक है, आपका ऑर्डर 49 में आई गेस दिया होगा, ठीक है, ऑर्डर 49, ठीक है। तो ये बेसिक होंगे, प्लेंट फाइल करते समय आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी। तो आपने कॉज ऑफ एक्शन समझा, आपने ऑर्डर 6 देखा और ऑर्डर 7 देखा, जिसमें अगर कोई एज अ प्लेंटिफ आपका दोस्त जा रहा है कोर्ट ऑफ लॉ में तो उसको किन चीजों का ध्यान रखना है ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब मान लीजिए, अच्छा एक चीज और मेरी यहां पे ध्यान से सुन लो, कि व्हाट इज मेंट बाय अ सूट,
ये बात ध्यान रखना बस, सूट की एक डेफिनेशन छोटी सी लो, एक लाइन की जीवन में कभी नहीं बोलोगे, दैट इज सेट ऑफ द प्रोसीडिंग्स, सेट ऑफ द प्रोसीडिंग्स फॉर फ्रॉम सॉरी फ्रॉम फाइलिंग ऑफ अ प्लेंट, ऑफ अ प्लेंट टू द जजमेंट. एक प्लेंट जब फाइल होती है तभी उसको एक सूट नंबर मिल जाता है, अगर उसने प्रॉपर पूरी क्या नाम है कोर्ट फीस वगैरह प्रोसेसिंग फीस वगैरह जमा कर दी है, और एक प्लेंट फाइल होने के बाद जजमेंट तक की सारी प्रोसीडिंग्स को क्यूमुलेटिवली हम एक सूट बोलते हैं. ठीक है, सरस है, यहां तक क्लियर है? तो बस ये समझ लेना साहब, अगर आपसे कोई कहता है प्लेंट सूट क्या होता है, तो सूट का मतलब होता है ऑल द प्रोसीडिंग फ्रॉम द स्टेज ऑफ फाइलिंग ऑफ अ प्लेंट टिल द फाइनल जजमेंट इज नोन एज अ सूट. ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन आप समझ गए, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट एंड इट्स वायलेशन. उसके बाद सामने वाले इंसान का कॉज ऑफ एक्शन वायलेट हुआ था तो वो प्लेंट फाइल करेगा. जब वो प्लेंट फाइल करेगा तो वो इन चीजों का ध्यान रखेगा कि क्या ड्राफ्टिंग के रूल्स हैं, वो डुप्लीकेट में होनी है, कितनी प्रोसेसिंग फीस जानी है, कोर्ट फीस जानी है, कौन फाइल कर सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्टीज है, ज्यूरिसडिक्शन कहाँ है कोर्ट की, हम कहाँ पे प्लेंट फाइल करें, और अगर प्लेंट हमने फाइल की है तो उसको ट्रांसफर एप्लीकेशन भी जा सकती है. ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई. तो साहब ये सिंपल हो गया कि उसने प्लेंट फाइल कर दी, प्लेंट फाइल करी आपकी कोर्ट पे आई. ठीक है, आपकी कोर्ट पे आई कि सर प्लेंट फाइल हो गई है, आप जज हो, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, सामने वाले ने ये प्लेंट फाइल कर दी. आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आपने कहा भाई अब बारी आती है समन्स भेजने की. क्योंकि देखो जब प्लेंटिफ कोर्ट में आया है, उसने डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई भी सूट इंस्टीट्यूट किया, तो डिफेंडेंट इज नॉट अवेयर कि उसके अगेंस्ट क्या सूट है क्या नहीं है. तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल ऑडी ऑल्टरम पार्टम जिसको आप कहते हो, वो सिंपल भाषा में बोलता है कि आपको दूसरी पार्टी को इंटीमेशन देना है कि तुम्हारे अगेंस्ट एक सूट एग्जिस्ट करता है और तुम आके उसको रिवर्ट करो, तुम आके उसको डिफेंड करो, सिंपल भाषा में. ठीक है, देखो आई कैन गो एज मच टेक्निकल एज पॉसिबल, बट मैं बताऊं सीपीसी में ऐसा कुछ भी बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं. ठीक है, अगर आप उसको एक बार समझ जाओ अब क्या होगा. तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया, फर्स्ट स्टेप था हमारा कॉज ऑफ एक्शन, सेकेंड स्टेप था प्लेंट. ठीक है, थर्ड स्टेप हो गया आपका सामने वाली पार्टी को आपने समन्स भेजा, आप जज थे, आपने बोला आप डिफेंडेंट को समन भेजे जाए. ठीक है, तो समन भेजने के लिए आप ऑर्डर 5 पढ़ लो कि भाई समन कैसे कैसे जाएंगे. एक बार सेक्शन 132 पढ़ लो, 133 पढ़ लो, ये कुछ एक्सेप्शंस की बात करता है कि किनको समन्स भेजने पर अपियरेंस से एक्सेप्शन है. मतलब विमेन हुआ या कुछ आपके क्या नाम है जो भी मिनिस्टर्स वगैरह 132 और 133 में दिया हुआ है, ऐसे लोग जिनको लॉ एग्जेम्प्ट करता है कि आपको समन्स में अपियर नहीं होना है या आप प्लीडर के थ्रू अपियर हो सकते. 27 से 29 तक भी समन्स की बात करता है. ठीक है, तो समन्स में क्या है, समन्स में सिंपल प्रोसीजर है, आपको प्रोसेस सर्वर के थ्रू, ईमेल के थ्रू, बाकी सारी चीजों के थ्रू समन भेजा जाएगा. ठीक है, एक उसमें छोटा सा कंसेप्ट आता है 9A में, जिसको अपन दस्ती समन्स बोलते हैं. दस्ती समन्स में क्या होता है, प्लेंटिफ बेसिकली खुद से कोर्ट को बोलता है. हमेशा याद रखना दस्ती समन जो होता है इन एडिशन टू द समन्स दैट हैव बीन सर्वड बाय द कोर्ट, द प्लेंटिफ ऑल्सो सेज टू द कोर्ट सर मैं पहुंचा देता हूं समन, जल्दी पहुंच जाएंगे. ठीक है, लॉजिक पे है, प्लेंटिफ आपको बोलता है सर ठीक है आप तो भेज रहे हो, हमें भी एक कॉपी दे दो, हम समन्स को जल्दी डिस्पैच करवा देंगे, प्रोसेस में टाइम लगेगा. वो कहते हैं चलो ठीक है, प्लेंटिफ ने हिमसेल्फ दस्ती समन्स कर दिए. ठीक है, और उसके बाद एडल्ट मेल सॉरी एडल्ट मेंबर नॉट सर्वेंट वो सब आप देख लेना. ठीक है, तो आपने समन्स भेज दिए सामने वाली पार्टी, सामने वाली पार्टी के पास ऑर्डर 5 में समन्स चले. अब जब समन्स चले गए तो वो क्या करेगा, तब बात आती है डिफेंडेंट जो होगा वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा. क्या फाइल करेगा, डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा. रिटर्न स्टेटमेंट आपका ऑर्डर 6 रेड विद ऑर्डर 8 चलेगा. ठीक है, अब क्या होगा, रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली प्लेंट का रिप्लाई. ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट प्लेंट का रिप्लाई. तो सबसे पहले ये याद रखना, अर्चय चौधरी हेलो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल द मैसेजेस आई एम रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव केयर एंड योर सपोर्ट. ठीक है, पढ़ो आराम से, बस ये कहानी जब तक खत्म होगी ना, एग्जीक्यूशन पे जब तक हम पहुंचेंगे आपका पूरा सीपीसी खत्म हो चुका होगा. WS पे आए हैं, 5-6 स्टेजेस और हैं, शांति से समझ लो, आधे घंटे में फ्री कर देंगे. ठीक है, और भाई एक चीज और ध्यान रखना, टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लो, देवशीष पांडे जुडिशरी अन अकेडमी लिखोगे तो आ जाएगा. कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पे लिंक भेज दे चैट में तो अच्छी बात है हमारे ग्रुप का, तो उससे आप लोग उसको ज्वाइन कर लो. ठीक है, और हमारा ये बैच आ रहा है 26 तारीख से प्लस पे,
26 जनवरी से हमारे सारे एजुकेटर्स के साथ सारथी बैच। तो इस बैच के लिए आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। यूज माई कोड DPJ10 देवशीष पांडे फॉर जुडिशियरी DPJ10 टू अवेल 10% डिस्काउंट। देखो किसी भी एजुकेटर का कोड यूज करते हो आपने 10% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। मेरा कोड यूज करने का सिंपल इतना फायदा है कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हो मेरे से, मैं आपसे टेलीग्राम पे जुड़ूंगा और आपको स्पेसिफिकली मेंटोर और गाइड करूंगा कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। आई हैव बीन अ जुडिशियल एस्पिरेंट इन द रिसेंट पास्ट। I had an opportunity to clear the mains a couple of time and missed the interview by few marks. So I have opted teaching as the next career option that I had. सबकी अपनी चीजें होती हैं। तो what I just want to say that I have been through this process and I know where the problems are और कहाँ आप गलती करते हो, जो गलतियां शायद मैंने भी की थी, तो I can just assist you। और ऐसा नहीं है जो सब्सक्रिप्शन लेता है उसी की मैं मदद करता हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं। आप टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। कभी भी आपकी अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है कि आप सर सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते लेकिन आपको कुछ भी इश्यू आता है, तो जितना हो सकेगा उतना मैं मदद करूंगा। आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस लास्ट 1 ईयर, ठीक है। टाइम लगेगा, 48 आवर्स लगते हैं मुझे सबको रिप्लाई करने में, बट आई डू रिप्लाई, ठीक है। बाकी ये सारे लोग बता देंगे जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कि मैं कितना रिप्लाई करता हूँ और सभी को करता हूँ, ठीक है। चलो, अरे कंटिन्यू कर रहे हैं वैभव जी, 2 मिनट मेरी तो बात सुन लो। हाँ, ऐसे तो नहीं चलता ना, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि समन्स, समझ में आ गया, अपन ने समन्स भेज दिया। अब समन्स भेज दिया तो सामने वाले ने WS फाइल किया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना पूरी पूरी। अब यहां से टेक्निकल शुरू होने वाला है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था कि आप रिफ्रेश हो जाओ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, सामने वाले ने प्लेंट फाइल कर दिया, जितने भी रूल्स प्लीडिंग्स के थे वो देखे, प्लेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन में फाइल कर दी गई, ट्रांसफर की जरूरत थी तो वो हो गई। और अब बात आ गई समन्स की, आपने समन्स भेज दिए, कुछ एक्सेप्शंस को पढ़ते हुए समन्स का प्रोसीजर आपने समझ लिया, दस्ती समन्स के बारे में आपने समझ लिया। उसके बाद बात आती है कि डिफेंडेंट WS फाइल करेगा, दैट इज द रिटन स्टेटमेंट। नाउ रिटन स्टेटमेंट में बेसिकली क्या क्या चीजें होती, अगर मैं आपको बताऊं तो 5-6 चीजें होती हैं जो बेसिकली रिटन स्टेटमेंट में आती है। पहली चीज होती है लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, पहली चीज होती है लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। जो WS होता है उसमें डिफेंडेंट क्या बोलेगा कि सर आपके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है इस केस को सुनने की, ठीक है। वो बात कर सकता है रेस सब जुडिस की, मैटर सर ऑलरेडी पेंडिंग है सेक्शन 10 में, ठीक है। वो बोल सकता है कि ये केस रेस जुडिकाटा का है सेक्शन 11 में, दैट हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, रेस जुडिकाटा। वो कह सकता है इस पे एक फॉरेन जजमेंट अवेलेबल है, फॉरेन जजमेंट अवेलेबल है इस क्वेश्चन पे। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन हो पा रहा, एक सेकेंड बच्चा रुक, मैं दे देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, रियली सॉरी एवरीवन, वी विल जस्ट स्टार्ट। मैंने अभी कोई मैसेज नहीं करेगा चैट में, मैंने भेज दिया है टेलीग्राम ग्रुप लिंक भेज दिया, ठीक है। तो फॉरेन जजमेंट, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर 2 रूल 2 की बात हो सकती है, ठीक है, ऑर्डर 22 रूल 9 की बात हो सकती है, ऑर्डर 23 रूल 3A की बात हो सकती है कि इस पे कॉम्प्रोमाइज डिक्री एग्जिस्ट करती है। मतलब बेसिकली WS में जो डिफेंडेंट होता है वो सारी बातें बोलता है जिससे इस सूट की प्रोसीडिंग्स रुक जाए। ये एक पार्ट है। वो अपने काउंटर क्लेम भी करता है, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन प्राइमरली जो WS होता है उसमें डिफेंडेंट वो सारी चीजें रेज करता है जिससे जो सूट है वो आगे ही ना बढ़े और कोर्ट इन बेसिक प्रिंसिपल्स, जिनमें कोर्ट के पास प्रोसीड करने का राइट नहीं है या उसको स्टे करना पड़ेगा उनको, या वो एक्चुअली उनके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, इस तरह की चीजों को रेज करते हैं एट द फर्स्ट प्लेस इन अ WS, ठीक है। ये रेस कर दिया, इसके साथ एडिशन में, मतलब ये समझ रहे हो ना, मतलब अगर मैं एक डिफेंडेंट हूं, मैं आपके पास आऊंगा तो मैं अपने WS में वो बातें कहूंगा कि सर आपके पास तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, ये सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन किसी और कोर्ट के पास है, इसका मतलब आपकी इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। मैंने आपको पिछली क्लास में भी शायद एक बार कभी समझाया था कि सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन जो होती है उसको अपन इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। मतलब अगर किसी कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो उसकी डिग्री जो होगी वो नलिटी होगी। मैंने बताया था, मान लो रेंट कंट्रोल एक्ट, कंट्रोल ट्रिब्यूनल है, ठीक है, मतलब आपका रेंट RRC पढ़ते हो, वहां रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाना है, आप सिविल कोर्ट में आ गए, तो वो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन का केस। तो कहने का मतलब आई विल ट्राई ऑल माय एफर्ट्स एज अ डिफेंडेंट टू स्टॉप द कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग इन द सूट,
दिस विल बी द फर्स्ट थिंग। सर प्लीज स्लो, बच्चा स्लो तो है ही है यार, ये मैं आपको कितना बेसिक समझा रहा हूँ यार, ऐसे कोई नॉन लॉ स्टूडेंट भी समझ लेगा, ऐसे बता रहा हूँ मैं। और अगर लगे तो आप लोग दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, जिसको भी कोई चीज छूट जाए, बट अभी एक बार चलने देते हैं ठीक है। रेस सब जुडिस कि भाई ये एक मैटर कहीं और पेंडिंग है, रेस जुडिकाटा ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, फॉरेन जजमेंट एग्जिस्ट करता है, ऑर्डर 2 रूल 2 का केस है, 22-9 का है, 23-3A का कॉम्प्रोमाइज हो चुका है ठीक है। इस तरह की चीजें आप WS में रेस करते हैं। इन एडिशन टू दिस आप क्या क्या करते हो, आप काउंटर क्लेम करते हो, आपका कोई और क्लेम है जो एग्जिस्ट करता है, काउंटर क्लेम या सेट ऑफ। देखो प्लेंट में क्या हुआ, प्लेंट में उसने अपनी बात समझाई ना कि उसका कैसे राइट था और कैसे वो वॉयलेट हुआ। अभी आपका क्या ग्रीवियंस है ये भी तो आपको समझाना है ठीक है। और आपका अगर कोई और क्लेम भी एग्जिस्ट करता है ठीक है, तो उसमें काउंटर क्लेम और सेट ऑफ। अरे पैरेलल टॉकिंग मत करो ठीक है, चलो चलो बस बस, आप कोई मैसेज नहीं करेगा ठीक है। चलो काउंटर क्लेम सेट ऑफ। अब इसी में एक चीज और समझ लो, जब कोई प्लेंटिफ अपनी प्लेंट फाइल करता है, उसका जवाब जो होता है, ध्यान से सुनना, कोई प्लेंटिफ अपनी प्लेंट फाइल करता है तो उसका जो जवाब होता है वो रिटन स्टेटमेंट कहलाता है। रिटन स्टेटमेंट्स में जो एक्स्ट्रा एवरमेंट्स किए गए होते हैं, उनका जो रिप्लाई प्लेंटिफ देता है उसको रेप्लीकेशन बोलते हैं, और रेप्लिकेशन का जो जवाब होता है उसको रिजॉइंडर बोलते हैं। और इसको ही आप एडिशनल, मतलब रिजॉइंडर को आप एडिशनल WS भी बोल सकते हो या सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स भी बोल सकते हो ठीक है। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल करी, इसका जवाब इसने WS में दिया, WS में जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे, WS में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे उसका जवाब प्लेंटिफ ने रेप्लिकेशन में दिया, और रेप्लिकेशन में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे उसका जवाब डिफेंडेंट ने रिजॉइंडर में दिया ठीक है। ये चीजें हमेशा ध्यान रखना, रेप्लिकेशन हमेशा प्लेंटिफ द्वारा फाइल होता है और रिजॉइंडर हमेशा डिफेंडेंट द्वारा फाइल होता है ठीक है। तो आपने मान लीजिए काउंटर क्लेम कर दिया, सेट ऑफ कर दिया, हाँ वो हम सब समझेंगे। मैं अभी आपको एक कहानी समझा रहा हूं कि कोर्ट चल कैसे रहा है, और अगर आप इसको विजुअलाइज कर पाओगे तो पूरा CPC आपको क्लियर हो जाएगा, अनफोल्ड हो जाएगा ठीक है। सुनना, तो अभी अपन ने क्या किया, काउंटर क्लेम और सेट ऑफ देख लिया। अब एक सिंपल सी बात आती है, लॉजिकल बात आती है कि क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे अगर आप WS नहीं फाइल करते, अगर आपने WS नहीं फाइल किया तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अभी जब आपने WS फाइल किया तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्लेंट में कही गई बहुत सारी बातों को आपने एक्चुअली एक्सेप्ट कर लिया या उनको आपने रिवर्ट नहीं किया, तो दैट विल बी डीम्ड एडमिशन, दैट विल बी डीम्ड एडमिशन। ये एक और कंसेप्ट आ जाएगा ऑर्डर 8 रूल 5 में, कि अगर आपने प्लेंट में जो एवरमेंट्स किए थे उसको स्पेसिफिकली मना नहीं किया, तो लॉ ये प्रिज्यूम करेगा कि आप उस बात को मान रहे हैं ठीक है, आपने रिजॉइंडर कर दिया, ये कर दिया। तो बेसिकली आपने ये सारी चीजें जो थी ये रिटन स्टेटमेंट में फाइल कर दी। तो जब भी आप रिटन स्टेटमेंट के बारे में सोच रहे हो, आप रेस जुडिकाटा के बारे में भी सोचोगे, रेस सब जुडिस के बारे में भी सोचोगे, काउंटर क्लेम सेट ऑफ के बारे में भी सोचोगे, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो डिफेंडेंट आया वो अपनी पूरी तैयारी से आया और उसने ये सारी चीजें रेस की, उसने लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन भी बोली, रेस सब जुडिस भी बोला, दिस इज अ क्रैश कोर्स रेस जुडिकाटा रेस सब जुडिस। मैं इन्हीं चीजों को डिटेल में पढ़ाऊंगा इन द डिटेल्ड कोर्स, और मैं ऐसे ही मूव करूं लिंकिंग करते हुए कि आपको पूरा समझ में आ जाए ठीक है। चलो अभी मेरे, प्लीज कमेंट मत करो, मेरी बात सुन लो, 15 मिनट और, कोर कंटेस्ट आने वाला है ठीक है, ये क्रैश कोर्स है, अभी करते हैं, मैं अभी रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग कमेंट्स नाउ ठीक है। तो WS में उसने ये सारी चीजें कर ली। तो ये अगर मैं आपको बोलूं कि दीज आर द थिंग्स विच आर क्वेश्चनिंग द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट, तो कुछ गलत होगा, नहीं होगा ना, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट, कि साहब इसने जो प्लेंट फाइल करी है, तो पहला पहला ट्राई WS में डिफेंडेंट ये करेगा कि ये सूट साहब मेंटेनेबल ही नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ ठीक है, या तो इसमें ज्यूरिसडिक्शन है, रेस्ट ये सारी चीजें हैं, तो ये मेंटेनेबल। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो WS होता है वो कहीं ना कहीं सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट पे हिट करता है कि ये सूट मेंटेनेबल ही नहीं है, और अगर मेंटेनेबल है भी, अगर मेंटेनेबल है भी, तो फिर हम आगे की भी सारे क्लेम काउंटर क्लेम सेट ऑफ और चीजों को रिवर्ट करते हैं ठीक है।
प्लेंट समझ में आ गया, डब्ल्यू एस हो गया, रेप्लीकेशन रिजॉइंडर हो गया, समन, अब डब्ल्यू एस फाइल हो गया। अब बात आती है कि डब्ल्यू एस आ गया, ठीक है, आप एज अ जज बैठे हो, क्या क्या हो गया, प्लेंट आ गई, डब्ल्यू एस आ गया, आपने समन्स भेज दिए, सामने वाला अपियर हो गया, डब्ल्यू एस आ गया। अब डब्ल्यू एस के बाद क्या होगा, बेसिकली आप वैसे पढ़ोगे लॉ के हिसाब से पढ़ोगे, बुक के हिसाब से, तो फर्स्ट हियरिंग आएगा, ठीक है, फर्स्ट हियरिंग आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो फर्स्ट हियरिंग से पहले भी एक छोटी सी स्टेज होती है जहां पे दोनों पार्टीज आती हैं और कोर्ट समझती है कि क्या कॉज ऑफ एक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेंट एंड द डब्ल्यू एस, ठीक है। तो फर्स्ट हियरिंग में बेसिकली क्या होता है ये समझो, फर्स्ट हियरिंग का थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, इस पर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें ये समझाई गई बात कि फर्स्ट हियरिंग हम उस हियरिंग को नहीं बोलेंगे जब कोर्ट ने दोनों पार्टीज को बुलाया और उनका कॉज ऑफ एक्शन समझा और उसके बाद उन्होंने एक नेक्स्ट डेट दी कि अब आप लोग आइए तब हम सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करेंगे या आगे की बात करेंगे। सो दैट हैपेंस टू बी द फर्स्ट हियरिंग, बट उस कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाओ, मैं आपको जनरल उस पर समझा रहा हूं कि फर्स्ट हियरिंग का मतलब है जब कोर्ट ने दोनों पार्टीज को बुलाया और उनका कॉज ऑफ एक्शन समझा, बेसिकली इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज कि भाई क्या क्या है तुम्हारी बात। आप एज अ जज आपने दोनों पार्टीज को बुलाया, उनकी प्लेंट देखी, उनका रिटर्न स्टेटमेंट देखा, अब आपने कहा बताओ तुम लोग के बीच में विवाद क्या है। वो कहेगा सर हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था, हमें इनको माल सप्लाई करना था, इन्हें मुझे 10 लाख रुपए देना था, इन्होंने 2 लाख रुपए दिए, 7 लाख रुपए देने से ये मना कर रहे हैं, ये मेरा कॉज ऑफ एक्शन है, मेरा रियल राइट है, मुझे पैसा दिलवा दीजिए इंटरेस्ट के साथ, ये मेरी कहानी। डिफेंडेंट बोलेगा सर मैंने इनको 3 लाख रुपए दिया है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इन्होंने कोई परफॉर्म ही नहीं किया, इनका जो माल था वो खराब क्वालिटी का था, वो उस हिसाब से था ही नहीं जिस हिसाब से हमने रिक्वेस्ट किया था, मेरा खुद का इतना लॉस हो चुका है 20 लाख का बिकॉज द रॉ मटेरियल वॉज नॉट प्रॉपर, मुझे इनसे ही चाहिए पैसे, इन्होंने जो डेफिशिएंसी इन सर्विस करी है। वो अपनी बात कहता है, आपने क्या किया, आपने बेसिकली इन दोनों को एग्जामिन किया, ठीक है। अब एग्जामिन करने के बाद आपको दो चीजें करनी है, आपको अगर लगता है कि ये एडीआर में जा सकता है, एडीआर मतलब होता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसके अंदर आपका आर्बिट्रेशन आता है, मीडिएशन आता है, कंसिलिएशन आता है, जुडिशियल सेटलमेंट आता है, लोक अदालत आता है, ठीक है। तो आपने आपको अगर लगता है कि ये इशू ऐसा है जिसमें हम कोई इश्यूज फॉर्मुलेट कर सकते हैं जिसमें कोई भी एडीआर पॉसिबल है, तो आप उसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भेज दो। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेक्शन 89 में होगा और ऑर्डर 10 रूल 1ABC इसके बारे में बात कर रहा है कि भाई आप एडीआर पे चले जाओ, एक बार म्यूचुअली सेटलमेंट करके देख लो, अगर आपका डिस्प्यूट आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो जाता है तो बेकार में कोर्ट का भी टाइम नहीं जाएगा, ऑलरेडी इतने केस पेंडिंग है, आपको भी फीस नहीं, परेशानी नहीं होगी और मैटर खत्म हो जाएगा। तो आपने उसको एडीआर के लिए भेज दिया। इस पे पूरे जजमेंट्स हैं, एडीआर मैंडेटरी होता है, फॉर्मुलेशन मैंडेटरी होता है, भेजना पड़ता है नहीं भेजना पड़ता है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में जब क्रैश कोर्स के बाद जो प्लस में पढ़ाएंगे उसमें। तो आपने एडीआर के लिए भेज दिया, अब एडीआर के लिए भेजा तो सिंपल सी चीज है, दो बातें होंगी, या तो एडीआर सक्सेसफुल होगा या फिर अनसक्सेसफुल होगा, यही तो होगा ना, अनसक्सेसफुल होगा। देखो अगर एडीआर सक्सेसफुल हो गया तो एडीआर का जो भी सेटलमेंट आया है उसके आधार पे आप डिक्री पर अनाउंस कर देंगे डायरेक्ट। देखो एक बात मेरी बहुत ध्यान से समझना, व्हेनेवर देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या कुछ भी होता है तो उस केस में क्या होता है, जैसे प्रोसीडिंग चल रही, उसके बाद आपने बोला सर हमें सेटलमेंट करना है, हमें कॉम्प्रोमाइज करना है, तो कोर्ट कहता है आप जाओ बाहर आराम से कॉम्प्रोमाइज करो, एक कॉम्प्रोमाइज डीड लेके आओ, सेटलमेंट लेके आओ, उसको साइन करो। हम क्या करेंगे, अपने जजमेंट में, अपनी डिक्री में उस कॉम्प्रोमाइज की कॉपी लगा देंगे और लिख देंगे इस आधार पर ये जो इश्यूज थे इनको हमने इस तरीके से डिस्कस कर डिसाइड कर दिया, तो आपका डिक्री आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेजोल्यूशन। तो आपने एडीआर के लिए भेजा, आपने एडीआर के लिए भेजा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया तो आपने उसके आधार पर डिक्री प्रोनाउंस कर दिया, ठीक है। अगर अनसक्सेसफुल हो गया तो सिंपल बात, अब आपको ट्रायल के साथ आगे जाना है। अनसक्सेसफुल हो गया मतलब इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि ये म्यूचुअली इस चीज को नहीं डिसाइड कर पाएंगे, तो अब हमें इसका ट्रायल करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, पेबल होगी एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ठीक है। अब जब अनसक्सेसफुल होता है तो सिंपल सी बात होती है, आप क्या जाते हो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए। नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। देखो यार बहुत लॉजिकल सी चीज है,
तुमको सरल भाषा में समझाऊं तो अगर कोई भी डिस्प्यूट कोर्ट के पास आया, आप एज अ जज हो, तो आपका सबसे पहले काम होगा कि हम इश्यूज डिसाइड करते हैं, हम इश्यूज को सेटल करते हैं, जिन इश्यूज पे आप एविडेंसेस दोगे या जिस इश्यूज पे हम आर्ग्यूमेंट लेंगे, और उन इश्यूज के आधार पर डिसाइड होगा कि क्या लाइबिलिटी थी, क्या राइट्स थे और क्या डैमेजेस मिलना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो वो कुछ भी बात करने लगेंगे, वो बात करने लगेंगे कि मेरे रिश्तेदार वहां रहते हैं, मेरे भाई का भतीजे का चाचा वहां रहता है, मतलब कहने का मतलब इररिलेवेंट चीजों पे बहस होगी। तो कोर्ट क्या करता है, जब भी कोई चीज आती है तो एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज के आधार पर प्राइमरी ड्यूटी कोर्ट पे होती है फॉर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, जो आपका ऑर्डर 14 में होता है। ऑर्डर 14 में आप क्या करोगे, इश्यूज सेटल करो, मतलब कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो एक पार्टी एजर्ट कर रही है, दूसरे पार्टी डिनाई कर रही है। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की बात थी जो हमने एग्जांपल लिया, अब सपोजिटली दोनों पार्टी अग्री कर रही है इस बात को कि कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जिस्ट करता था, तो क्या आपको उसको इश्यू बनाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दैट हैज बीन एडमिटेड बाय द पार्टीज। आप लिख दोगे द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड दैट हैज बीन एडमिटेड बोथ द पार्टीज। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज का काम आता है एमपी में, आता है राजस्थान में, सब जगह यूपी में सेटलमेंट ऑफ इश्यूज पे भी क्वेश्चन आता है। यार अर्चित जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम बाद में ले लेंगे, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लो, ठीक है? उसको जब एक बार प्रोविजंस पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक बारीकी बताऊंगा, एक भी चीज नहीं छूटेगी, ठीक है? एक भी चीज नहीं छूटेगी, बट आज ऑब्जेक्टिव है कि मैं एक बार सीआरसीपीसी पूरी खत्म कर दूं, सारी चीजें समझा दूं, ताकि आप कभी खुद से भी पढ़ते हो ना तो आपको समझ में आए। तो प्लीज डोंट आस्क पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस। जब मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा तो आपको जितने क्वेश्चन पूछना हो आप पूछना, जहां से भी, प्रैक्टिकल बुक से, कहीं से, ठीक? चलो, तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि आपने सेटलमेंट ऑफ इश्यूज किया कि भाई किस इश्यूज पे, किस इश्यूज पे हमारी बहस हो, मतलब किस इश्यूज पे, किस पॉइंट पे सामने वाली पार्टी जो होगी वो एविडेंसेस देगी, आर्ग्यूमेंट्स एडवांस करेगी, डॉक्यूमेंट लगाएगी, अपने विटनेसेस लाएगी, और क्या बात हम कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना चाह रहे हैं। सो दैट इज नोन एज सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो जाएगा ऑर्डर 14। जब इश्यूज सेटल हुए, जब इश्यूज सेटल हुए, तो कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ मैटर्स ऐसे होंगे, कुछ मैटर्स ऐसे होंगे जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट नहीं होगा, या बहुत सारे इस तरह के उसके एसेंशियल्स पे हम देखेंगे। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि डिस्पोजल डिस्पोजल ऑफ केस एट फर्स्ट हियरिंग। इसको सिंपल भाषा में अभी के लिए इतना समझ लो, इसके मैं सारे एसेंशियल्स आपको लिखवाऊंगा, बट इसको अभी के लिए ये समझ लो कि मैटर इतना छोटा है कि कोर्ट को लगता है इसमें ट्रायल के लिए जाने की जरूरत नहीं है, और हम इसको फर्स्ट प्रोसीडिंग में ही डिसमिस करके खत्म कर देंगे। फर्स्ट क्या नाम है, प्रोसीडिंग में ही डिस्कस करके खत्म कर देंगे। सेटलमेंट इश्यूज होंगे, देखो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज में आपने क्या किया, आपने बेसिकली क्या डिस्प्यूट है, कहां पे एक पार्टी अजर्ट कर रही है और दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, ठीक है? एडीआर बेचा है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, लोक अदालत, जुडिशियल सेटलमेंट आता है, मैंने लिखा तो है, ठीक है? सो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपने सेटलमेंट ऑफ इश्यूज किया, जब आपने सेटलमेंट ऑफ इश्यूज किया तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इसमें बहुत लेंथी ट्रायल की आवश्यकता है या नहीं है, तो आप जा सकते हो डिस्पोजल ऑफ द केस एट द फर्स्ट हियरिंग के लिए भी, ठीक है? अब चलो भाई, ये डिसाइड हो गया, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो गया कि भाई सेटलमेंट हो गया, ये इश्यूज पे अब ट्रायल कंडक्ट होगा, ठीक है? बीच में एक छोटी सी बात समझ लो जिसको अपन बोलते हैं नॉन अपियरेंस ऑफ पार्टीज। अब सिंपल सा बात है, ऑर्डर नाइन, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, कई बार पूछा जाए, तो इसमें आपको सिंपल ये समझना है कि यार आपने सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए बुलाया, ठीक है, पार्टीज नहीं आई या उसके बाद भी नहीं आई, तो इसमें क्या होगा, नॉन अपियरेंस ऑफ पार्टीज के क्या कॉन्सिक्वेंस हो। तो पार्टीज का मतलब, मान लीजिए डिफेंडेंट आया, प्लेंटिफ नहीं आया, ठीक है? मान लो प्लेंटिफ आया, डिफेंडेंट नहीं आया, प्लेंटिफ आया, मान लो दोनों नहीं आए, डिफेंडेंट भी नहीं आया, प्लेंटिफ भी नहीं आया, तो इसका एक चार्ट मैं आपको बनवाऊंगा ऑर्डर 9 का, जिसके तहत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कब कौन होता है, किस केस में आप ये बोल सकते हो कोर्ट को कि नहीं आप इसको दोबारा सुन लीजिए, किस केस में कोर्ट एक्सपार्टी जा सकती है, कब सामने वाली पार्टी अगर अपना कॉज दिखा देती है कि सर हम बीमार थे, हम जेल में थे, या कुछ भी ऐसा था, तो कोर्ट सुन लेती है कि चलो ठीक है, हम तुमको एक और मौका देते हैं, यू कैन अपियर बिफोर द कोर्ट एंड सबमिट योर रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट अदरवाइज, ठीक है? तो कहने का मतलब एक कंसेप्ट आता है नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी। सिंपल बात है, अगर दोनों पार्टीज नहीं होंगी तो आप जज हो, आप वहां बैठे हो, आप उस सूट को कैसे डिसाइड करोगे? आप कह रहे हो प्लेंटिफ रोज रोज आ रहा है, डिफेंडेंट कहाँ है? वो कह रहे सर आ ही नहीं रहा है, सर समन भेजे, सब कुछ भेजा, आ ही नहीं रहा, कहते चलो ठीक है हम एक्स पार्टी प्रोसीड कर देते,
ठीक है, फिर बाद में भागा भागा गया डिफेंडेंट, उसको जब पता चला एक्स पार्टी हो रहा है कि सर अरे सर हमारी बात सुन लीजिए, आपने कहा कहाँ थे तुम, कह रहे सर हम क्या बताएं, हम हॉस्पिटल में थे और बिल्कुल हमें आइडिया ही नहीं था ये हुआ है। अच्छा तुम्हारे कुछ एविडेंस है, कहाँ एडमिट थे, उसने दिखाया, उन्होंने कहा अच्छा तो आपको लगा कि यार ये सही बोल रहा है तो आपने उसको अलाउ कर दिया, मान लो गलत बोल रहा है तो आपने उस पर कॉस्ट लगा दी या कुछ कर दिया। कहने का मेरा मतलब है कि आपने उस बात को समझो कि हाउ इट इज फंक्शनिंग, फिर उसके उसकी जो पिक्यूलर चीजें हैं वो हम समझ लेंगे कि कौन पार्टी कब आई तो कब क्या होगा, किस चीज में फ्रेश सूट फाइल करना है, किसमें अपील लाई करती है, किसमें एक्स पार्टी में सेम कोर्ट के पास आप बोल सकते हो जाके, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। तो ये हो गया नॉन अपियरेंस ऑफ पार्टी, पार्टीज यहां तक समझ में आ गया। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द मोर कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो अपियरेंस ऑफ पार्टीज की बात हो गई। तो अभी तक हम कहां पहुंचे, प्लेंट हुआ, कॉज ऑफ एक्शन था, प्लेंट फाइल हो गया, प्लेंट की सारी चीजें समझ में आ गई, समन भेज दिए गए, समन भेज दिए गए, उनका डब्ल्यूएस आ गया, डब्ल्यूएस ने मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट को चैलेंज किया और एडिशनल पॉइंट्स को बताया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट हियरिंग हुई, फर्स्ट हियरिंग में आपने एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज किया, आपको लगता है कि अगर इनको एडीआर में भेज दो वहां से सेटल करके आ जाएंगे, तो आपने एडीआर में भेज दिया, एडीआर अगर सक्सेसफुल हो गया तो आपने उसके आधार पर डिक्री दे दी, एडीआर अगर अनसक्सेसफुल रहा, एडीआर अगर अनसक्सेसफुल रहा तो आप सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए चले गए, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बाद आपने ये देखा कि क्या इस केस को हम पहली हियरिंग में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो समन्स में लिखा जाता है कि ये सूट फर्स्ट क्या नाम है फर्स्ट हियरिंग पे ही डिस्पोज ऑफ किया जाएगा कि इसका ट्रायल होगा, उसके बारे में अपन बात कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए वैसा नहीं है तो फिर हम वी विल मूव टू द ट्रायल। उसके बीच में एक चीज ये आ जाती है नॉन अपियरेंस ऑफ पार्टीज, कि समन्स गए थे सामने वाली पार्टी नहीं अपियर हुई, तब उसके अगेंस्ट आप क्या करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको केस खत्म करना है ना यार, अभी आप नहीं करोगे, आप जज हो, आपके पास पार्टीज पहुंची, एक पार्टी आ नहीं रही है, वो कह रहे हो क्या क्या कर रहे हो जज साहब, आप हम क्या करें, तो आप ये तो नहीं कह सकते हो कि हम भी क्या करें, आपको कुछ उसके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा। सो दिस इज अंडर ऑर्डर 9, नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। नाउ अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस, अब तीन चीजें बचती हैं, पहला है ट्रायल जो सबसे बड़ा टॉपिक है जो अभी मैं समझाने जा रहा हूं, ट्रायल के बाद आप बेसिकली समझोगे जजमेंट, जजमेंट डिक्री, ठीक है वो कैसे आएगी, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट क्या नाम है अपील, अपील रिव्यू, ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन, ये चार हेड्स और रहते हैं, ये चार ब्रॉड हेड्स हैं जिसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो आपको समझनी, और इस पे जाके सीपीसी आपका खत्म हो जाए, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है, कैन आई हैव अ थम्स अप फ्रॉम ऑल ऑफ यू यार, थोड़ा तो कम हुआ ना डर यार, थोड़ा मजा आया कि नहीं आया, मतलब आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस क्लास, अभी एक दो एक मिनट मैं कमेंट्स ले रहा हूँ फिर आई विल रिज्यूम, क्योंकि ट्रायल थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ट्रायल समझेंगे, जजमेंट डिक्री समझेंगे, अपील रिव्यू समझेंगे, एग्जीक्यूशन समझेंगे, ये चार पॉइंट और समझो कि पूरी सीपीसी डिकोड हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या सीपीसी अपन ने मुट्ठी में कर ली, अपन ने क्या एक ओवरव्यू ले लिया और हम समझ गए कि चीजें कैसे फ्लो करेंगे, अब बीच की जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन उसको हम फिट करते जाएंगे, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, पूरा सीबीसी तैयार हो जाएगा यार, पता नहीं तुम लोग क्यों डरते हो, ठीक है ठीक है। ये वाला रिचुअल कर लेते हैं तब तक, देखो प्लस क्या होता है, प्लस में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, अनअकैडमी पे क्लासेस दो तीन तरह से होती है, वाईटी पे होती है जो फ्री क्लासेस होती है, स्पेशल क्लासेस होती है, और प्लस क्लासेस होती है, प्लस होती है जो पेड होती है, ठीक है। तो जैसे हमारा भी जो साथ ही बैच शुरू होने वाला है वो प्लस पे शुरू होने वाला है, ठीक है, उसमें मैं सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एनआई पार्टनरशिप बहुत सारे, ठीक है, थोड़ा सा इश्यू से पहले बताइए, इश्यू से पहले बता दे, दो मिनट रुको, अच्छा ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, प्लस का आइकॉनिक है अपग्रेडेड वर्जन, ठीक है, ये प्राइसिंग प्लान है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 27,500 का, 12 महीने का 37,813 का, 18 महीने का 46,406 का। देखो ये अपना नेटफ्लिक्स टाइप सब्सक्रिप्शन है, ठीक है ना, नेटफ्लिक्स टाइप सब्सक्रिप्शन है, या अमेजन प्राइम जैसे लेते हो, हॉटस्टार लेते हो, उनके जैसा सब्सक्रिप्शन है, 6 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया तो 6 महीने में जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं या पहले से चल रहे हैं वो सब देख सकते हो, जैसे मेरे इंडियन एविडेंस एक्ट के लेक्चर पड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट के पड़े हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, इन सबके लेक्चर्स मेरे प्लस में पड़े हुए हैं जिसमें मैंने डिटेल्ड पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया। तो जैसे आपने 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया तो आप सबके लेक्चर्स देख सकते हो, आपने मेरा कोड यूज किया DPJ10, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही या सारथी बैच ही अटेंड कर सकते हो, सारे एजुकेटर्स के सारे वीडियोस देख सकते हो जितने भी उस प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट है प्लस इसका, प्लस का, तो देख लो, और स्पेशल क्लासेस बाय मी एंड अदर एजुकेटर्स ऑलवेज अवेलेबल,
बग्स बाउंटी में यू कैन रिपोर्ट एनी ईयर। ठीक है, शुरू करें, ट्रायल शुरू करें, समझ में आ गई ये सब बात? एक बार पढ़ लेते दस्ती समझ समझ। सर आपकी यूट्यूब पर सीपीसी की क्लासेस थी, अब मिल नहीं रही हैं, वो भी गायब हो गई है क्या? सीपीसी दोनों मास्टर हैं सर। ठीक है, थैंक यू। बच्चा वो हटा दी गई है क्लासेस। डू वी हैव अ सिमिलर क्रैश कोर्स ऑन सीआरपीसी? एकता जी, आई टॉट सीआरपीसी इन 75 लेक्चर्स। आई टुक द लॉन्गेस्ट बैच ऑफ सीआरपीसी, दैट टू कंप्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब, बट अनफॉर्चुनेटली विद रेफरेंस टू सम पॉलिसी डिसीजन दैट वीडियोज वर रिमूव्ड। ठीक है, बहुत लोगों ने सीआरपीसी पढ़ा, हजार हजार लोगों ने एक साथ पढ़ा उस सब सीआरपीसी को, और आज तक लोग बोलते ही रहते हैं उसे, बट अभी नहीं है, अभी आई विल बी टीचिंग सीपीसी ऑन प्लस आफ्टर दैट। ठीक है सर, ऑल क्लियर। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं। दस्ती समन्स का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं होता है। जो प्लेंटिव होता है वो कोर्ट से कहता है सर हम पहुंचा देते हैं, आप भी पहुंचाओ समन्स। वो समन्स की जिम्मेदारी मेनली कोर्ट की होती है, लेकिन इन एडिशन टू द समन्स दैट हैव बीन सर्वड बाय द कोर्ट, द प्लेंटिव आल्सो सेज दैट आई विल आल्सो सेंड अ समन टू द डिफेंडेंट कि ही अपियर्स एंड रिप्लाइज बिफोर द कोर्ट ऑफ। ठीक है बस, ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर्स पोर्शन के आगे मिल रहा है। आदित्य जी देखने पड़ेंगे यार, चलो अब चलो ठीक है, भी करवा दीजिए। YouTube पर वैभव जी सब नहीं करा सकते, थोड़ी हमारी भी लिमिटेशंस हैं। अगर हम सब कुछ YouTube पर करा देंगे तो आप सिंपल बात बताओ, जो बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उनके साथ इनजस्टिस नहीं होगा? वो किस बात के पैसे दे रहे हैं? उनको कुछ एडिशनल नहीं अगर हम देंगे, सब चीज यहाँ पे दे देंगे। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, आई अंडरस्टैंड सम पीपल हैव फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स, उनके लिए ही हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अन अकेडमी इन द रिसेंट टाइम हैज गॉट द बेस्ट एजुकेटर्स एंड द बेस्ट कंटेंट। आप लोग को कुछ लोगों से जैसे मेरी बात हुई, कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उनका ये कहना था सर हम सोच रहे हैं कि फिर बाद में कोई और कोचिंग कर लेंगे, तो वो हैबिट नहीं पड़नी चाहिए। बात ये कि वेन वी आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर यू टू गिव द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल इन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर दैट मैटर इन द नेशन, तो यू शुड नॉट टेक इट एज अ ऑप्शन बी। ठीक है, कि अभी फ्री में है, यूट्यूब पे सब मिल रहा है तो पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कहीं और कोचिंग कर लेंगे, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। बाकी चलो ठीक है, अभी ट्रायल समझते हैं। चलो चलो चलो, वाई रिमूव सर? भाई मैंने बताया कि वो भाई पॉलिसी डिसीजन था, रिमूव हो गया। चलो लेट्स कम बैक। प्लस पर सीपीसी कब से स्टार्ट होगा? 27 से स्टार्ट कर रहे हैं हम डिटेल्ड सीपीसी। ठीक है चलो, अब सुनो, सब लोग वापस आ जाओ। चलो अब बात करेंगे ट्रायल की। देखो मैंने तुमको बताया कि सिविल सूट में भी जो ट्रायल होगा वो भी इंडियन एविडेंस एक्ट के आधार पे होगा। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है सर, चैनल का नाम इंडिया क्यों नहीं है, वर्ल्ड क्यों? अरे भैया मेरी बात सुन लो, अच्छा ये समझ लो, 15 मिनट और समझ लो, फिर मैं सबके क्वेश्चन देख लू, सबके क्वेश्चन में देता हूँ। हाँ आदित्य जी मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, ये ट्रायल समझ लो, 15 मिनट समझ लो, फिर एक एक इंसान रुकना, मेरे को कोई काम नहीं है, मेरे कोई संडे के एंगेजमेंट नहीं है, खाना वाना मैं खा चुका हूँ, 12 बजे तक मैं एक एक का क्वेश्चन आंसर करूंगा। मुझे 20 से 25 मिनट सीबीसी पढ़ा लेने दो, फिर जो बच्चे जिन बच्चों के क्वेश्चंस नहीं है वो चले जाएंगे, आप लोग रुके रहना, मैं एक एक इंसान का क्वेश्चन आंसर करूं। ठीक है चलो, नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड इज, जब हम सिविल सूट में ट्रायल में जाते हैं, तो जब हम ट्रायल में जाते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यार जब ट्रायल स्टार्ट होगा तो एग्जामिनेशन इन चीफ, जब हम देखते हैं ऑर्डर 18 रूल 4 में, तो वो क्या लिखता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ जो होगा वो एफिडेविट पे होगा। ठीक है, ओथ और एफिडेविट पे होगा। तो जब आपके स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है, वो ओथ और एफिडेविट पे लिए जाएंगे, तो इन्हीं एफिडेविट के लिए एक ऑर्डर आ जाता है जिसको ऑर्डर 19 बोलता है। ठीक है, और ओथ का प्रोविजन आपका दिया होता है सेक्शन 139 में, जो ये बताता है ओथ पे सारे स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, तो द एंटायर आइडिया मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रायल में क्या क्या चीजें आएंगी, कौन कौन से एस्पेक्ट्स आएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, जब भी कोई स्टेटमेंट है, एग्जामिनेशन इन चीफ है, वो सारा ओथ और एफिडेविट पे किया जाएगा, एफिडेविट के लिए ऑर्डर 19 दिया हुआ है। ठीक है, वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन सब की चलो हम बात कर ले। उसके बाद अब जब ट्रायल शुरू हुआ तो एक पॉइंट आएगा, ये सारे पॉइंट समझ लो, बस सिर्फ पॉइंट समझ लो। ठीक है, एक पॉइंट आएगा जिसको हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ फैक्ट्स, ये कहां डेल्ट है, ये डेल्ट है ऑर्डर 12 में, एडमिशन ऑफ फैक्ट्स। ये एडमिशंस क्या होंगे, ऐसे 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 फैक्ट्स जिसपे दोनों पार्टीज आर नॉट एट अ डिस्प्यूट। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट में बताया था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के केस में बताया आपको कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, ये दोनों पार्टीज डिनाई नहीं कर रही है, तो ये जो एडमिटेड फैक्ट्स होंगे, ठीक है, एडमिशन ऑफ फैक्ट्स होगा, ये ऑर्डर 12 के अंदर कोड रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, मतलब आप ये समझो
कि आप क्या क्या चीजें देखोगे। ओथ और एफिडेविट पे उसका एक क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ ले लोगे, ठीक है, जो फैक्ट्स एडमिटेड हैं वो लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब ये एक टॉपिक समझ में आ गया, ये दो टॉपिक समझ में आ गए, अब तीसरा टॉपिक लिखो जो ट्रायल में आपको समझना होगा बेसिकली, वो ये है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, एंड इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑफ डॉक्यूमेंट। एक काम करना, ये पूरा चार्ट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत सालों की मेहनत की चीजें हैं, बट स्टिल आई विल सेंड इट टू यू इफ यू वॉन्ट टू रीड, ठीक है। अभी समझ लो, अगर इससे बना लेते हो तो ठीक है, नहीं बना पाते हो तो मैं भेज दूंगा। तो प्रोडक्शन और इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये ऑर्डर आपका प्रोडक्शन और इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑर्डर 13 में आ जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली ये क्या है कि मान लो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्लेंटिफ के पास है और डिफेंडेंट को उस पर रिलाई करना है या उसको उसको मंगवाना है, ठीक है। तो उस तरह की चीजें जो होंगी ट्रायल के दौरान, मान लो, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि दोनों पार्टीज के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो, इन ऑर्डर टू अटेन जस्टिस वो बेसिक चीज निकालने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। कुछ भी बोल रहे हो यार, पढ़ लो भाई। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, ऑर्डर 13 में होता है। अब इसके बाद क्या है, ये हो गया। अब मान लो कोई, यार टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने भेजा है, कोई ऊपर से पेस्ट करके भेज दो भाई, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको चाहिए टू प्रूव योर केस, तो आप कोर्ट को बोलते हो कि आप इसको इंस्पेक्ट करवाइए, या इस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्री से निकलवाइए, या किसी और थर्ड इंसान की कस्टडी में वो डॉक्यूमेंट है तो आप उसको प्लीज निकलवाइए ताकि मैं अपना केस सही से प्रूव कर सकूं। वो क्या कहलाएगा, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। तो प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, एडमिशन ऑफ फैक्ट्स, ओथ एंड एफिडेविट्स, ठीक है। इसके बाद डिस्कवरी इंस्पेक्शन के बाद एक छोटा सा पॉइंट आता है जिसको अपन कहते हैं एडजॉर्नमेंट्स। एडजॉर्नमेंट्स, अब कोई नहीं बोलेगा प्लीज यार, एडजॉर्नमेंट्स, ऑर्डर 22। एक सिंपल सी बात है कि लॉ ये चाहता है कि मल्टीपल, क्या नाम है, स्पीडी ट्रायल कंडक्ट हो, तो डे टू डे प्रोसीडिंग्स हो, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी सिचुएशन आ गई, वकील साहब बीमार हो गए, वकील साहब किसी जरूरी काम से बाहर गए होंगे, प्लेंटिफ जो था या डिफेंडेंट जो पार्टी थी उनके घर में कोई मिसअप हो गया, या वो मेडिकली इल हो, तो इन ऑल दीज केसेस द कोर्ट कैन ग्रांट एडजॉर्नमेंट, ठीक है। एडजॉर्नमेंट पहले तो 3 देने थे, लेकिन सैलम एडवोकेट ने यही समझाया कि साहब अगर आपको एडजॉर्नमेंट देना है तो आप दे दो, लेकिन सामने वाली पार्टी पे कॉस्ट लगाओ, क्योंकि इससे क्या होता है, दूसरी पार्टी जो होती है उसका अननेसेसरी हैरेसमेंट होता है। एक पार्टी अपना सारा काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उस केस को अटेंड करने आई और दूसरी पार्टी ने एडजॉर्नमेंट सीख कर लिया, तो लॉ ये समझाता है, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑर्डर 11 है, ठीक है। तो कोर्ट ये समझाता है कि साहब अगर सामने वाले पार्टी ने जितना भी नुकसान उठाया है, उसका अगर एक दिन का सैलरी चला गया या उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, तो ये सारी जो रियलिस्टिक कॉस्ट है वो सामने वाली पार्टी को देनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, लोगों का जो एडजॉर्नमेंट फ्रीक्वेंटली मांगने का पैटर्न है वो कम होगा और एक स्पीडी ट्रायल इंश्योर किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आया। तो उन्होंने एडजॉर्नमेंट्स की बात कर ली। चलो अब एडजॉर्नमेंट्स के बाद कभी ऐसा हुआ कि कोई आ नहीं पा रहा है या कोई ऐसी चीज है जो मूवेबल नहीं है, तो वहां के लिए कमीशन इशू करवा दिया आपने, कमीशन इशू करवा दी, ठीक है। सेक्शन 75, 78 और ऑर्डर 26, इसमें आपकी कमीशन इशू हो गई कि भाई ये चीज चेक करवानी है या उसका एविडेंस लेके आना है या किसी चीज को चेक करके आना है कि वहां की सिचुएशन कैसी है, किसी भी चीज से, किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, वो बोल रहे हैं कि सर इन्होंने घर में ये कर रखा है, दूसरा बोल रहा है ये कर रखा है, तो उन्होंने कमीशन कोर्ट ने इशू कर दी कि भाई जाओ तुम जाके देख के आओ, या कोई भी रजिस्ट्रार है, कोई भी लोकपाल है, किसी और की भी रिपोर्ट लग गई कि सर ये चीज होती है या ये चीज नहीं होती, ठीक है। अरे हाँ सॉरी, 17 17 17 7, सॉरी 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 17, हाँ यार अभी एकाध दो तो गलत हो जाएगा, 17, ठीक है। कमीशन, कमीशन इशू हो गई, ठीक है। कमीशन के बाद एक और चीज होता है, मान लो ट्रायल चल रहा है, मान लो ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के बीच में आपको लगता है कि कुछ भी बेसिक आपके आपके केस में, आपके सूट में कोई भी फॉर्मल डिफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर्मल डिफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, बेसिकली आपने रॉन्ग कोर्ट में फाइल कर दिया है या कोई फीस नहीं पेड है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि आपकी पूरी प्रोसीडिंग विशिएट हो सकती है, तो उस केस में आप अपना सूट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉल दो तरीके से होता है, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। इसका सिंपल मतलब है कि आपने सूट फाइल किया, सूट पेंडिंग है कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको विड्रॉ कर लिया। तो ये जो कमीशन और विड्रॉल है, ये एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग हो सकता है, इसको अपन समझेंगे। तो ट्रायल के बीच में ये सारे फेसेट्स आ रहे हैं,
मतलब ये सारी चीजें जब भी आप सुनते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर द स्टेजेस ऑफ ट्रायल, और ये सब हमारे जो स्टार्टिंग में हमने समझा था उसको फैसिलिटेट करने के लिए की जा रही है। ठीक है, विड्रॉल हो गया, विड्रॉल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है बीच में, अगर आपको लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो ऑर्डर 23 में। कॉम्प्रोमाइज का मैंने सेटअप आपको बता दिया है। कॉम्प्रोमाइज के केस में यही होता है कि वेन एवर यू कम टू द कोर्ट एंड यू से यू वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज द सूट, तो कोर्ट कहता है जाओ तुम लोग सेटलमेंट करके आओ, जो कॉम्प्रोमाइज दिख रही है उसको साइन करके रजिस्टर करके लेके आओ मेरे पास। और उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने जो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बाद ही जो भी स्टेज चल रही होती है, ठीक है, उस स्टेज में वो कॉम्प्रोमाइज डिक्री लगा देते हैं, कॉम्प्रोमाइज डीड लगा देते हैं बेसिकली, और उसके आधार पे डिक्री आ जाती है, और फिर आप बाद में उसको चैलेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट ऑन वेरी वेरी लेस ग्राउंड्स, जो कि ये होते हैं कि आपसे जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज करा लिया गया, आपने अगर ये सारी चीजें प्रूव कर दी तो। ठीक है, तो आप अपने सूट को कॉम्प्रोमाइज भी करा सकते हो। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करा लिया, अब इसके बाद और क्या चीजें आ सकती हैं ट्रायल में, एक और चीज आ सकती है जिसको अपन बोलते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन, अरे अब टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर 39 में इतनी छोटी सी चीज है कि कुछ नहीं, प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट हो रहा है। देखो टेम्परेरी इंजंक्शन क्या, हम कोर्ट के पास पहुंचे, हमने कहा सर अगर आपने अभी हमें इंजंक्शन नहीं दिया तो ऐसा इरेपरेबल लॉस हो जाएगा मुझे कि मेरा कोर्ट में आने का मकसद ही फ्रस्ट्रेट हो जाए। ठीक है, तो उसमें तीन चीजें होती हैं, एक केस लॉ अपन समझाएंगे, उसमें तीन चीजें देखनी होती है, प्राइमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इरेपरेबल लॉस। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो आप सामने वाली पार्टी को टेम्परेरी टाइम के लिए इंजंक्ट कर सकते, ये एक फाइनल ऑर्डर नहीं होता है। देखो परमानेंट इंजंक्शन एसआरए में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिया जाता है, टेम्परेरी इंजंक्शन सीपीसी में डील होते हैं। तो टेम्परेरी इंजंक्शन मतलब होता है एक तरह का इमीडिएट रिलीफ, जब आप कोर्ट पहुंचे आपने कहा सर ये सूट डिसाइड होने में 3 साल लग जाएगा, 3 साल में वो उस जगह पे कुछ और, पूरी मस्जिद खड़ी हो जाएगी, मंदिर खड़ा हो जाएगा, ताजमहल बन जाएगा, होटल बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, आप उसको अभी रोको, उसको आप अभी रोको, क्योंकि अगर आपने इसको अभी नहीं रोका तो बाद में उसको भी लॉस होगा और मुझे भी लॉस होगा, अगर उसने जो भी आर्किटेक्चर खड़ा किया है उसको तोड़ना पड़ेगा या मेरा वहां पे राइट नहीं बन पाएगा। तो कहने का मतलब टेम्परेरी इंजंक्शन इन कुछ केसेस में दिया जाता है। नेक्स्ट, अब टेम्परेरी इंजंक्शन जब आप समझ रहे हो तो इसी के साथ एक छोटी सी चीज और समझ लो जिसको अपन बोलते हैं अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। क्या बोलते हैं, अरेस्ट एंड अटैचमेंट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। अब अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट क्या होता है, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ऑर्डर 38, इसमें भी वही बात है, उन्होंने कहा कि सर आप इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दीजिए वरना ये जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है इसको सेल करके ये निकल जाएगा, या इसको अरेस्ट कर लीजिए इस इंसान को वरना ये भाग जाएगा और फिर पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, और द एंटायर ऑब्जेक्ट ऑफ अप्रोचिंग दिस कोर्ट ऑफ लॉ विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एज द रेमेडी इवन इफ द कोर्ट डिसाइड्स इन माई फेवर विल नॉट बी एक्चुअली एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट दैट पर्सन। तो आपका जो केस होगा, जो सूट होगा वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, भले ही मेरे फेवर में सूट आएगा लेकिन मैं उसको एनफोर्स नहीं करा पाऊंगा। तो इस तरह की अर्जेंट नीड अगर आप दिखाते हो कोर्ट को तो वो अरेस्ट एंड अटैचमेंट ऑर्डर कर सकते हैं बिफोर जजमेंट। अब देखो कितनी लॉजिकल सी चीजें हैं, कितनी लॉजिकल सी चीजें हैं, अगर आप जज बने हो, ठीक है, अगर आप जज हो, आपके सामने कोई एक ऐसी पार्टी आती है कि सर वो प्रॉपर्टी बेचने वाला है, उसका अग्रीमेंट टू सेल हो गया, कल वो जा रहा है रजिस्ट्री करवाने, अगर मेरा ये राइट एग्जिस्ट करता है और ये आपने इसको अभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, इसकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं करी या कोई भी चीज़ इंजंक्शन नहीं दिया, तो सर मेरा कोर्ट में आने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके पास कुछ पावर होनी चाहिए ना, तो वही ये पावर्स हैं जो दी गई हैं, वही ये पावर्स हैं जो दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको विटनेसेस को बुलाना होगा, आप समन कर सकते हो, समन टू विटनेसेस, कि भाई तुम आओ कोर्ट में और मुझे समझाओ कि क्या हुआ, किसमें, ऑर्डर 16 में। अब 16 के साथ एक 16A भी लगा हुआ है कि अगर कोई विटनेस प्रिजन में है तो उसको बुला सकते हो, जेल अथॉरिटी के कुछ प्रिजम्पशंस दिए हुए हैं वो कब कैसे कर गए हैं बिल्कुल बाद में देख सकते हैं। ठीक है, 16A में आप ऑर्डर 16A में उनको बुला सकते हो। ठीक है, अब फिर क्या आता है, एक और आता है जिसको बोलते हैं प्रोसेस प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स ऑफ ट्रायल, ये किसमें आता है, ऑर्डर 18। इसमें कुछ नहीं, इसमें प्रोसेस बताया जाता है कि आपको विटनेसेस की लिस्ट 14 दिन में, 15 दिन में फाइल करनी है, ठीक है, आपको इतने टाइम में आना है, इतने टाइम में ये करना है। तो ये कुछ प्रोसीडिंग्स हैं ट्रायल की, कि ट्रायल में जो भी मिसलेनियस चीजें होती हैं वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे होंगी, ये एक ऑर्डर में अलग से दिया हुआ है जो कि ऑर्डर 18 है, जो कि ऑर्डर 18 है। उसके बाद मान लीजिए आप जज हो, आप किसी सूट को डिसाइड कर रहे हो, प्रोसीडिंग चल रही है, बीच में कोई कोई एक ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है जो अभी तक डिसाइडेड ही नहीं है,
आपने देखा चलो इसको ये डिसाइड करना है, आप कह रहे हो इस पे तो कोई जजमेंट ही नहीं है, इस पे तो कोई लॉ ही नहीं है, इस पे क्लैरिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे, फट से रेफरेंस के लिए भेज दोगे। आप फट से रेफरेंस के लिए भेज दोगे कि हायर कोर्ट डिसाइड करेगी कि सर इसमें क्या होना चाहिए और उसके आधार पे हम जजमेंट दे देंगे। तो ये ऑर्डर 46 में आ जाएगा आपका और सेक्शन 113। ठीक है, तो रेफरेंस हो जाएगा। रेफरेंस के बाद एक छोटी सी चीज होती है जिसको हम कहते हैं एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। एनलार्जमेंट ऑफ टाइम, एनलार्जमेंट ऑफ टाइम आएगा। हाँ हाँ रेगुलर क्लास होंगी डेली 8:30। 148 में एनलार्जमेंट ऑफ टाइम आएगा, 148 में। अभी इसमें क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ टाइम का सिंपल मतलब है, देखो इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट को अपन समझेंगे 151 में, उससे अलग एक एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। ये सारी बातें, ये सारी बातें उन्हीं चीज से निकल के आ रही है जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्रोसीजर इज हैंडमेड टू जस्टिस नॉट इट्स मिस्ट्रेस। ठीक है, मतलब प्रोसीजर डिक्टेट नहीं करेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैसे होगा, प्रोसीजर जो होगा उसका लिबरल इंटरप्रिटेशन हो। हर जगह टाइम बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, हर जगह टाइम बढ़ाया जा सकता है, हर प्रोविजन में कहीं ना कहीं क्लॉज है। अगर आप कहीं पे भी टाइम और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप सेक्शन 148 में कर सकते हो। ठीक है, 30 डेज 60 डेज का जितना भी टाइम दिया हुआ, मान लीजिए उसके आगे भी आपको करना है तो आप सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट में एनलार्जमेंट ऑफ टाइम कर सकते हो। वो वाला जब कंसेप्ट समझेंगे तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जो बात अपन ने समझी थी शुरुआत में, वो सारी चीजें यहां पे उसी पैटर्न पे आ रही हैं जिन प्रिंसिपल्स को हमने शुरुआत में डिस्कस किया। तो ये सारी चीजें कर दोगे ट्रायल में, ये सारी चीजें ट्रायल में कर दोगे ना बीइंग अ जज, राइट। अब ये सारी चीजें हो गई भाई साहब ट्रायल में, ठीक है, किसी को लिखना तो नहीं है ना, हटा दू ना, चलो हटा ही दिया, पीछे करके देख लेना जिसको देखना। अब आपने क्या कर दिया, सर हमने ट्रायल कंडक्ट कर दिया, तो अब ट्रायल के आधार पे क्या आएगा, आपका जजमेंट आएगा, डिग्री आएगा। आपको पता है जो ऑपरेटिव पार्ट होता है वो डिग्री होता है, डिग्री नहीं डिक्री सॉरी, जो ऑपरेटिव पार्ट होता है वो डिक्री होता है। ठीक है, सारे ऑर्डर्स सर अभी करते हैं, अभी यार मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, बस 15 मिनट और रुक जाओ, 2-3 पॉइंट बचे वो समझ लो, फिर एक एक इंसान का क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, ऑपरेटिव पार्ट डिक्री होता है, ठीक है, जजमेंट सारा रीजन लॉजिक फैक्ट जिसके आधार पर डिक्री आई है वो होता है। तो अपन ऑर्डर 20 समझेंगे, ठीक है, 2 क्लॉज 2 में डिक्री दी हुई, 2 क्लॉज 9 में आपका जजमेंट दिया हुआ है। इसमें कुछ कुछ बेसिक बातें हैं कि कौन सी डिक्री जो होगी वो डीम्ड डिक्री कहलाएगी, ठीक है, कैसे होगा, डिक्री कितने दिन में आएगी, जजमेंट में कौन साइन करेगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जजमेंट के साथ आपको लिख लेनी, तो आपका पूरा जजमेंट का काम हो जाएगा। जजमेंट में आप कॉस्ट की बात कर सकते हो कि कौन सी पार्टी कॉस्ट बियर करेगी, कॉस्ट शैल फॉलो द इवेंट, ठीक है, या नॉट फॉलो द इवेंट, ये सारी बातें कॉस्ट की आ जाएंगी। कॉस्ट के साथ आप इसी में इंटरेस्ट पढ़ लेना, 6% का इंटरेस्ट, मैंने आपको इंटरेस्ट का केस समझाया भी था कि 3 तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से जिस दिन तक सूट फाइल किया गया उस दिन तक, पेंडिंग प्रोसीडिंग पेंडेंटे लाइट इंटरेस्ट दिया जा सकता है कि जब तक प्रोसीडिंग पेंडिंग है, जिस दिन जजमेंट आ गया, जिस दिन डिक्री आ गई उसके बाद से एक्चुअल पेमेंट तक का भी इंटरेस्ट दिया जा सकता है, सो दैट इज द थर्ड काइंड ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सारे इंटरेस्ट दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब आपने जजमेंट दे दिया, डिक्री आ गई, डिक्री फॉलोड बाय जजमेंट हो गया, ठीक है, अब क्या होगा, अब या तो सामने वाला इंसान उससे अग्रीव्ड है वो अपील फाइल करेगा, या तो वो रिव्यू में जाएगा, और अगर रिव्यू और अपील हो गया तो आप उस डिक्री का एग्जीक्यूशन कराओगे, यही तो करोगे भाई, आपका जजमेंट ऑर्डर डिक्री आ गया, अभी क्या होगा, उसका अपील या रिव्यू जाएगा, अपील रिव्यू जब हो जाएगा तो उसका एग्जीक्यूशन होगा, यही तो होगा, एम आई राइट और नॉट। बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा तो साथ छोड़ दिया, बट बहुत सारे लोग हैं, तो ऑल द 80 odd पीपल हु आर watching दिस वीडियो सिंस लास्ट 1.5 hours दैट वी हैड, सो आई रियली want टू congratulate यू दैट यू गाइज एटलीस्ट हैव द intent टू प्रिपेयर फॉर द judicial सर्विसेज एग्जाम। और वो बोलते हैं ना कि इतना ही एक टीचर को चाहिए होता है एक स्टूडेंट से कि वो लड़ना चाहता है। मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि मुझे 1 घंटा दो, आई विल ट्राई टू जस्टिफाई दैट, वो तो अभी मैं बाद में पूछूंगा कितना मैंने जस्टिफाई किया, बट द फैक्ट दैट आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट दैट यू ऑल हैव दैट स्पिरिट टू फाइट, कीप दैट स्पिरिट अलाइव। और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हुए हैं जो घरों से नहीं। सो ऑल ऑफ यू आर गुड। हाँ मैं जा सकते हैं सतीश जी, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने अपील कर दी तो वो ये बोल सकता है कि इसका एग्जीक्यूशन अभी स्टे कर दिया जाए।
स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑर्डर 41 में आता है, मैं समझा रहा हूं ठीक है। तो अभी क्या होता है, अपील फाइल करी, अभी अपील के प्रोविजन आपको दिए हुए हैं 96 से 109 में। जनरली क्या होता है, अपीलेबल ऑर्डर होते हैं, जो ऑर्डर अपीलेबल दिए हुए हैं सीपीसी में उन्हीं में अपील लाई करती है। डिक्री में जनरली सारी डिक्री से अपील लाई करती है ठीक है। अभी आपने अपील देखा तो आपने उसको देखा कि उसका डिक्री आ गया, वो अपील में जाएगा ठीक है। अपील में जाएगा तो एक तो फर्स्ट अपील हो जाएगी, फर्स्ट अपील हो जाएगी जो आपकी 96 से 99 ए तक दी हुई है। ये जो फर्स्ट अपील होती है ये बहुत वाइड कंसेप्ट है, वेरी वाइड, बहुत सारी चीजों पे फाइल की जा सकती है। एक सेकेंड अपील होती है, सेकेंड अपील, तो सेकेंड अपील आपका सेक्शन 100 में दिया हुआ है, सेक्शन 100 और ऑर्डर 42 में। तो भाई फर्स्ट अपील जो होगी वो बहुत ज्यादा वाइड होगी, सेकेंड अपील जो होगी वो सिर्फ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाएगी, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाएगी, या कुछ और चीजें होती है बट जनरली सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाएगी सेकेंड अपील। अभी सेकेंड अपील पे जा गई ठीक है, सेकेंड अपील चली गई, उसके बाद फिर एक और प्रोविजन आ जाएगा यार, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। आपने फर्स्ट अपील कर दी, जहां जहां अपील प्रोवाइडेड है वहां पे दिया हुआ है कि कौन कौन से अपीलेबल ऑर्डर है, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है और कौन कौन सी डिक्रीज अपीलेबल है ठीक है। हाँ, अपील स्टैट्यूटरी राइट है, वेरी गुड, कि अपील वही हो सकता है जहां पे दिया हुआ है स्टैट्यूट ठीक है। सेकेंड अपील, सेकेंड अपील सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में जाएगी। आप बात करोगे अपील टू द सुप्रीम कोर्ट 109 ऑर्डर 45, ये जाएगी जनरल इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन है, एट पब्लिक एट लार्ज का जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हो 109 रेड विद ऑर्डर 45 में। तो ये आपके प्रोविजंस है अपील। आप अपील में जैसे ही गए ठीक है, तो आपने अभी देखो क्या होगा, सिंपल बात है कि आप दो पार्टीज थी, एक पार्टी हार गई, जो पार्टी हार गई वो दौड़ के अपील के लिए जाएगी, जो पार्टी जीत गई वो दौड़ के एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी कि सर इसको एग्जीक्यूट करा दो, फटाफट पैसा दिला दो, काम खत्म करें। दूसरी पार्टी अपील में जाएगी कि सर ये हम इससे अग्रीव्ड है। दोनों पार्टीज अपील में भी जा सकती हैं, वो कंसेप्ट अपन समझेंगे ठीक है। दोनों पार्टी मतलब मान लीजिए ये डिसाइड हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट सामने वाले ने ब्रीच किया, लेकिन कॉम्पनसेशन मेरा कमी मिला, मुझे 1 ही लाख कॉम्पनसेशन मिला, मुझे 10 लाख चाहिए था, तो भले ही मेरे फेवर में डिक्री है फिर भी मैं अपील में जा सकता हूँ, लॉजिकल सी बात है। और जो इंसान हारा है वो तो अपील में जा ही सकता है ठीक है। तो आप जब अपील में वो गया तो उसने सबसे पहले क्या लिया, दौड़ के लिया स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, पहले उसको एग्जीक्यूट करवाने से रुकवाओ ऑर्डर 41 में। मान लो एग्जीक्यूशन हो गया, मान लो एग्जीक्यूशन हो गया उसका, जब दूसरी पार्टी अपील में गई थी और जो भी बेनिफिट हो गए थे उनको रिस्टोर करने के बाद रेस्टिट्यूशन में आती है, रेस्टिट्यूशन 144। रेस्टिट्यूशन एक सिंपल प्रिंसिपल है कि आपके फेवर में अगर डिक्री आ गई है और आपने उसको एग्जीक्यूट करा लिया, बाद में डिक्री अपीलेंट कोर्ट में जाके चेंज हो जाती है, तो जो भी बेनिफिट आपको मिला था, जो भी एग्जीक्यूशन के थ्रू आपने बेनिफिट लिया था, उसको रिस्टोर करने का प्रोसेस रेस्टिट्यूशन कहलाता है सेक्शन 144 में ठीक है। रेस्टिट्यूशन कहलाता है सेक्शन 144 में ठीक है। प्रिसेप्ट्स की बात आ जाती है, प्रिसेप्ट्स की बात आ जाती है कि भाई उसकी उसकी कोई और ज्यूरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी है, वो बेचने जा रहा है, उसको रोको फटाफट, सेक्शन 46। गार्निशी ऑर्डर आ जाता है एग्जीक्यूशन में, जजमेंट डेटर्स डेटर, इसको समझ लेंगे गार्निशी को। रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एक टॉपिक आ जाता है, जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो प्रॉपर्टी को तो रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट होगी, रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। सबसे पहले रेवेन्यू दिया जाएगा, टैक्सेस दिए जाएंगे, फिर सामने वाले को दिया जाएगा, फिर ऐसे दिया जाएगा। अब एग्जीक्यूशन करने के मोड्स होते हैं 67 ठीक है, 67 ऑर्डर 21 रूल 64 से 96 ठीक है। बस ये क्लाइमेक्स था, बफरिंग नहीं हो रहा है बच्चा, दैट इज द एंटायर सीपीसी इन वन आवर। सारी चीजें मैंने आपको बता दी, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसके बारे में मैं बात नहीं करा क्योंकि वो एग्जैक्टली फिक्स नहीं हो रहा था। जब हम सूट समझ रहे थे तो कुछ डिफरेंट तरीके के सूट होते हैं, माइनर के द्वारा सूट किया जाता है, क्या नाम है, गवर्नमेंट सूट होता है, रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है, तो वो जब अपन ने सूट समझा था तो उसके साथ वो एक छोटी सी चीज थी जो रहती थी। उसके बाद 90% ऑफ द टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम हैव बीन कवर्ड इन दिस वन आवर लेक्चर। मतलब अब आपको बात समझ में आ गई है कि चीजें क्या हैं, चीजें क्या चल रही हैं ठीक है। पूरा सीपीसी अपन ने डिकोड करके रख दिया है कि कैसे वर्क कर रहा है। अब आप अगर इस स्टोरी के लाइट में, इस स्टोरी की लाइट में इफ यू स्टार्ट रीडिंग द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यू परहैप्स डोंट इवन नीड मी फॉर द क्लैरिटी।
ठीक है। अब बताओ मजा आया। आई आस्क ऑल ऑफ यू टू जस्ट गिव मी 1 आवर। मतलब थोड़ा डर तो कम हुआ ना यार, इन सारी चीजों के बारे में समझ लेंगे। आप कुछ नहीं करना है अभी तो, अपने को क्या करना है, बस इसमें चीजें फिट करनी है। अपीलेबल ऑर्डर पढ़ लो भाई, ये सारे ऑर्डर जो होते हैं वो अपीलेबल होते हैं। सेकेंड अपील यहाँ होती है, सुप्रीम कोर्ट होता है, एग्जीक्यूशन, अरेस्ट एंड अटैचमेंट, कौन सी चीजें अटैच नहीं होंगी, वो टूल्स ऑफ पार्टीशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चेक, ये सब कहाँ कहाँ अटैच हो रहा है, कहाँ कहाँ नहीं अटैच हो रहा है, इसको पढ़ना है। कहने का मतलब आई हैव प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क, नाउ यू हैव टू पुट एन इंफॉर्मेशन इन दिस बिट्स एंड पीसेस में। हाँ इतने भी पढ़ लोगे बहुत है मेरे हिसाब से टॉपिक, इतने टॉपिक अगर पढ़ लिए। हाँ केवीएट भी फाइल कर सकते हो, केवीएट बाद में फाइल होती है, चलो केवीएट भी समझा दिया जाएगा, छोटा सा एक पॉइंट है। हाँ केवीएट नहीं बताया, चलो एक तो टॉपिक आपने सोचा जो अच्छा था जो बताया जा सकता है, बट 90% मैंने इसलिए तो 90% 10% का तो विंडो लिया है ना। अब वो एक बार तो आप लोग भी बेरैक देखोगे ना, एक बार तो देखोगे। सब लोग यार कमेंट कर रहे हैं वीडियो पे, तो अच्छा लगेगा हमें भी पढ़ के कि लोगों को समझ में आया। आई होप आई वॉज एबल टू डू जस्टिस विद द टाइम दैट आई आस्क्ड। आई जनरली डोंट, ऐसे मैं इतना ज्यादा उसको कहता नहीं हूँ कि आप लोग आओ पढ़ो, मेरा सिंपल है यार, अगर बात समझ में आएगी तो पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगी तो नहीं पढ़ोगे। एवरी ऑल ऑफ यू गाइज आर मेच्योर एडल्ट्स, सो आई कैन नॉट कन्विंस यू, बट टुडे आई वॉन्टेड ऑल ऑफ यू टू हेयर दिस बिकॉज दिस वॉज सम कोर कंसेप्ट दैट आई हैव ब्रॉट, बहुत मेहनत से निकल के आया है, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव टू ऑल ऑफ यू कि आप इसको ध्यान रखोगे तो यू कैन एक्चुअली रीड ऑल द थिंग्स। क्रैश कोर्स होगा, क्रैश कोर्स होगा, क्रैश कोर्स होगा। देखो मैं समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ फटाफट से। देखो अभी क्या है कि हम जुडिशरी वर्ल्ड चैनल, ये जो यूट्यूब का चैनल है, इस पे क्रैश कोर्स चला रहे हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स में हम क्या कर रहे हैं, चीजों को ऐसे ही समझाएंगे, पांच पांच छह छह क्लास में एक एक सब्जेक्ट को खत्म करेंगे। आफ्टर दिस क्रैश कोर्स इज ओवर, तो हमारा 26 जनवरी से, 26 जनवरी से प्लस पे एक बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो पेड सब्सक्रिप्शन पे बैच है, जिसमें हम फाउंडेशन बैच पूरे सारे सब्जेक्ट्स डिटेल में पढ़ाएंगे हम चारों एजुकेटर्स, ठीक है। सो दैट 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 इज व्हाट इट हैज बीन डन, ठीक है, ठीक है। कमेंट में बताना है, लाइव चैट में नहीं बताना है। सब लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, मैं वापस से एक बार लिंक भेज दे रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लो मस्त, उधर पर अपन बात करते रहते हैं, सब अपडेट होता रहता है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, देवशीष लॉ 10 यूजर नेम है, देवशीष लॉ 10, ठीक है। अपन ने उधर एक ग्रुप पेज पेज टाइप का बनाया, उसको लेना होगा, सिंगल सब्जेक्ट भी परचेज कर, नहीं भावना जी सिंगल सब्जेक्ट नहीं कर सकते, यू कैन ऑलवेज परचेज द एंटायर ड्यूरेशन का कोर्स, जो मैं आपको बताता टाइम लिमिट के लिए आप ले सकते हो, उस टाइम लिमिट में जितने भी कोर्सेज हैं, जितनी भी चीजें हैं, उतनी आप देख सकते हो। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, आप 6 महीने का भी ले सकते हो, उसमें ये होगा कि आप 6 महीने में फटाफट से सारी चीजें अपनी कंप्लीट कर लो। बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स के साथ हैं। देखो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी तो मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा सब्सक्रिप्शन लेने के, और मैं ये भी बोलूंगा कि बहुत लोगों का खुद की पढ़ाई से भी निकलता है, ऐसा नहीं है कि जो मुझसे पढ़ रहा है सिर्फ उसी वही जज बनेगा, बट लॉट ऑफ पीपल डू बिकम जजेस इवन विदाउट कोचिंग, बट द ओनली थिंग इज इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर, और आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो मेरा कोड यूज करो DPJ10, देवशीष पांडे फॉर जुडिशरी 10 टू अवेल 10%। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, बच्चा मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं क्या, EMI ऑप्शन है, मंथली भी ले सकते हो, मंथली बहुत महंगा पड़ता है, दैट इज द पॉइंट। हाँ सर आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाओगे 26 जनवरी से, दीवी जी आई विल बी टेकिंग द CPC, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये तो मैं पढ़ाऊंगा 26 के वाले बैच में। इसके अलावा अगर आप देखो तो इंडियन एविडेंस एक्ट के मेरे 35 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं प्लस पे, जिसमें कंप्लीट इंडियन एविडेंस एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अभी चल रहा है, वी आर सेल पे पहुंचे हैं हम, ठीक है, सेल भी नहीं, आज तो वो ऑस्टेंसिबल ओनर पढ़ा था ना, हाँ तो उधर पे पहुंचे हैं अपन, तो TPA भी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है प्लस पे, तो वो भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो इतने सब्जेक्ट्स मेरे द्वारा आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में मिल सकते हैं, और एक मैंने सेशन लिया है 12-13 लेक्चर्स का CRPC पे, जो डिटेल्ड नहीं है, डेफिनेटली इट इज नॉट डिटेल्ड, बट इट टेल्स यू हाउ टू राइट बेटर आंसर्स इन योर मेंस एग्जाम, मेंस एग्जाम में कैसे बेहतर आंसर लिखते हैं, उस पे कुछ 10-12 सेशंस मैंने CRPC के लिए, वो आप देख सकते हैं, दैट इज ऑल आई हैव ऑन प्लस। अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरी इतनी चीजें आप देख पाओगे इन द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है।
सर सेक्शन 151 सीपीसी 151 टॉक्स अबाउट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। देखो इनहेरेंट पावर्स का एक सेटअप होता है। अगर आप बात करते हो सेक्शन 482 सीआरपीसी बात करता है इनहेरेंट पावर्स की। सेक्शन आर्टिकल आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि जब वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी जजमेंट दे सकते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो 142 की बात करेंगे। 142 ऐसा प्रोविजन है जो कहता है कि इट विल नॉट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स इनहेरेंट पावर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस कैन यूज द पावर्स अंडर आर्टिकल 142। तो उसी तरह से 151 सीपीसी भी है, ठीक है। 165 इंडियन एविडेंस एक्ट भी इसी के बारे में बात करता है। सो दीज आर द फोर प्रोविजन अंडर वेरियस लॉज विच टॉक अबाउट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। कभी समय मिले तो इन चार प्रोविजन को पढ़ना जाकर। दीज आर द इलस्ट्रेशन ऑफ द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। इनहेरेंट पावर का मतलब ही यही होता है कि बाय वर्च्यू ऑफ देम बींग द कोर्ट ऑफ लॉ दे आर बेस्टोर्ड विद सर्टेन पावर दैट हैव बीन एक्नॉलेज्ड बाय दीज सेक्शंस। दीज सेक्शंस डोंट गिव द इनहेरेंट पावर टू द कोर्ट्स। द कोर्ट्स इनहेरेंट का मतलब है बाय वर्च्यू ऑफ दैट पोजिशन दे हैव इन इट। बस ये सेक्शंस या प्रोविजंस उसको एक्नॉलेज करते हैं। इनहेरेंट पावर की अपनी पूरी एक ज्यूरिसप्रूडेंस है, ठीक है, तो पढ़ेंगे। अब आप लोग एक एक चीज पूछोगे तो मैं उसको बताता रहूंगा, बट अपन पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, बट वैसे पढ़ेंगे। सर बीच में अगर कोई छोड़ के चला जाए ना अकेडमी, तो यार आप देखो उसका तो सौरभ जी कुछ किसी को नहीं पता है, बट देर आर 40 मोर एजुकेटर्स दैट आर टीचिंग ऑन अन अकेडमी एंड आई बिलीव देर आर सम गुड एजुकेटर्स। बाकी मैं तो हूँ फिलहाल, तो 6 महीने साल भर तो हूँ ही कम से कम, फिर आगे का पता नहीं, यू नेवर नो द फ्यूचर, बट आई एम नॉट लिविंग एनीवेयर, आई एम ऑन अन अकेडमी ओनली, एक्सक्लूसिवली टीचिंग है। तो ये तो चीज़ है ही। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, तो सबका आप देख सकते हो यार, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या क्या क्वेश्चंस हैं देखते हैं। ठीक है ठीक है, ये बता दिया मैंने 151। टेलीग्राम चैनल का लिंक भावना जी मैंने वापस से भेज दिया है, तो आप उस लोग को देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भेज दिया है, ठीक है। और क्या पूछ रहे थे आप? ठीक है, YT पे कंप्लीट कोर्स नहीं होगा जो भी पूछ रहा है, दिस इज अ क्रैश कोर्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, मजा आ गया। सीपीसी हमेशा बहुत डिफिकल्ट लगता था, बट आपने बहुत इजीली पूरा कवर कर दिया। ठीक है, मतलब दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज जस्ट टू टेल यू कि अब डरो मत। अब पूरे पूरे सीपीसी का डायरेक्ट ऐसे करके खोलोगे ना, कोई भी प्रोविजन निकल के आता है, यू नो एटलीस्ट व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, तो आप उसको पढ़ोगे तो आपको रिलेट होगा, इस कहानी से समझ में आएगा, और इसके आगे हम चीजों को इम्प्रोवाइज करते जाएंगे। ठीक है, ये सब हो गया। सर सीपीसी ऑलवेज अ मॉन्स्टर सब्जेक्ट, सिंप्लीफाइड। थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू फॉर अजय। सर जी सीपीसी कितने दिन में होगा और ये प्लेलिस्ट में रहेगा? नहीं, अभी रहेगा भाई, अभी कोई बार बार ऐसा नहीं हो रहा है कि वीडियोस रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, वो एक बार का इंस्टेंस था, वो रिवैम्प हो रहा था, कुछ चीजें थी, बट अभी ये सब रहेगा, इसको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ईएमआई का प्रोसेस, ईएमआई का शुक्ला जी आप जो भी हैं, प्योति जी सॉरी अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे, तो ईएमआई डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों पे आई गेस अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिएगा। नो कॉस्ट ईएमआई भी है, वो आपको देखना पड़ेगा एक बार। देखो मैं वही समझा रहा हूँ कि यार सारे सब्जेक्ट्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट देर आर अदर एजुकेटर्स। मेरे सब्जेक्ट्स जो होंगे प्लस पे, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये चार सब्जेक्ट्स मैं प्लस पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा मैंने पुराने पढ़ाए हुए इंडियन एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कुछ पार्ट सीआरपीसी का, कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, ये ऑलरेडी उसमें है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो वो आप देख सकते हो। तो ये चीज आप मेरा मतलब प्लस का मेरा अपडेट इतना है, बट बाकी और एजुकेटर्स भी हैं, तुनसुक पालेवाल सर हैं, शुभम उपाध्याय सर हैं, अर्चिता मैम हैं, शुभम द्विवेदी सर हैं, जो हमारे चैनल पे हैं, तो देर आर लॉट ऑफ एजुकेटर्स, उनके भी सारे वीडियोस प्लस पे हैं, तो आप चूज कर सकते हो कौन सा सब्जेक्ट किस एजुकेटर से पढ़ना है, उसका सारा लेक्चर देख सकते हो, अपना शेड्यूल बना के अपनी तैयारी कर सकते हो। दैट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बता दिया सारे क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, क्लास टाइमिंग एवरी डे एट 8:30 PM, एवरी डे 8:30 प्राइम टाइम। मेरे तीन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लेक्चर पढ़े, अगर आपको टाइम मिले तो आप लोग देखिएगा। 3 लेक्चर्स ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आई हैव डेल्ट इन वेरी डिटेल। थैंक यू दिव्य जी, मोस्ट वेलकम बच्चा, मोस्ट वेलकम। डेली होंगे, ठीक है, चलो अब बस बाकी सब बताएंगे। तो डेली चलेगी 8:30 बच्चा। डिक्री ऑपरेटिव पार्ट होता है, जजमेंट एक डिटेल्ड पार्ट होता है, रीजनिंग होता है डिक्री का, फैक्ट्स होता है, आर्ग्यूमेंट्स होता है,
सब चीज होता है, ऑपरेटिव पार्ट। जब आपको इन्फोर्स कराना है, जजमेंट नहीं लेके जाओगे, डिग्री लेके जाओगे। ठीक है, चलो चलो, अच्छा लगा सर आपको इतने दिन बाद देख के। सेम है निकिता जी, आप सब लोगों को देख के। थैंक यू मिष्टी जी, मिनी नंदन जी। क्वेश्चन क्या है आपका मिष्टी जी? क्वेश्चन मार्क तो समझ में आ रहा है मुझे, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा आपका। चलो, द आइडिया इज कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग आउट टाइम। ठीक है, एंड आई होप आई डिड जस्टिस विद योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव, दैट्स ऑल आई कैन से। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। माई बेस्ट विशेज विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, ऑल ऑफ यू, एंड कीप ग्रोइंग एवरी डे। डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्मॉल स्मॉल ग्रोथ दैट यू अचीव, बिकॉज स्मॉल ग्रोथ और एनी ग्रोथ फॉर दैट मैटर मे बी पेनफुल, बट मोर पेनफुल इज बींग स्टक एट अ पोजिशन वेयर यू डोंट वॉन्ट टू बी। ठीक है, अभी चेंज इज डिफिकल्ट, ग्रोथ इज डिफिकल्ट, सीखने में एफर्ट्स लगता है, डिफिकल्ट होता है, बट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है उस सिचुएशन में रहना जिसमें आप नहीं रहना चाहते। डोंट बी अफ्रेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तैयारी करो। माई बेस्ट विशेज विद ऑल ऑफ यू। तो 3 दिन में नहीं, 6 दिन में, 5 से 6 दिन डिस्क्रिशनरी। ठीक है, ऊपर निकल गया, आपने नहीं देखा। अरे कोई बात नहीं मिस्टी जी, आप दोबारा भेज दीजिए। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस। पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम्स आने वाले हैं। एमपी का फॉर्म भर देना, 28th इज द लास्ट डेट, उसका फॉर्म भर दो। यूके का भर दिया होगा, यूपी का भी होपफुली 1-2 महीने में एग्जाम आ जाएगा। तो तैयारी पूरी रखो यार, और ऐसी तैयारी रखो, ऐसी तैयारी रखो कि कोई सामने आ ही ना पाए। मैं एक दिन एक कहानी सुना रहा था, एक रेवेन नाम का पक्षी होता है, मैंने सुनी है कहीं, मेरी खुद की पढ़ी हुई नहीं है, आई ऑल्सो हर्ड फ्रॉम समवेयर। एक रेवेन नाम का पक्षी होता है, ठीक है, वो क्या करता है, ईगल के सर पे जाके बैठ जाता है। बाज, बाज जो एक बहुत ही पावरफुल बर्ड होता है, उसके सर पे जाके बैठ जाता है। ठीक है, और फिर उससे कहता है कि अब तुम मेरे साथ क्या करोगे। और बाज का अपना अलग ऑरा होता है, ठीक है, वो मतलब कुछ भी कर सकता है, ही इज टर्म्ड इन द एनिमल किंगडम अ वेरी पावरफुल बर्ड। ठीक है, तो वो उसके सर पे जाके बैठ जाता है और उससे कहता है अब तुम क्या करोगे। तो ईगल क्या करता है, अपनी हाइट ऊपर करता जाता है, और इतना ऊपर कर लेता है हाइट अपनी कि वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और उस पक्षी को उसको छोड़ना पड़ता है। द आइडिया व्हाट आई वांट टू गिव यू इज कि आप इतनी तैयारी करो, इतनी तैयारी करो, इतनी तैयारी करो, इतना ऊपर बढ़ जाओ कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, कि सर कट ऑफ 60 जाएगा, 65 जाएगा, 70 जाएगा, इससे बहुत ऊपर निकल जाओ। और आपके जितने कॉम्पिटिटर्स आपके साथ है ना, वो सस्टेन ही नहीं कर पाए। वो ये कहें यार, इस बंदे को जितनी नॉलेज है, अपन इससे पंगा ही नहीं ले सकते। इस तरह की तैयारी करो, एंड डेफिनेटली यू नीड टू बी अ वॉरियर इफ यू वॉन्ट टू क्लियर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। द कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग एवरी सिंगल डे, द कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग एवरी सिंगल डे, एंड यू हैव टू बी ऑन योर टोस। और आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी, यू आर एम्बिशियस पीपल। फर्क है एम्बिशन में, महत्वाकांक्षा जिसे कहते हैं, और जीवन यापन के साधन में। आप एम्प्लॉयमेंट का साधन नहीं देख रहे हो, एम्प्लॉयमेंट का साधन मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा। यू आर एम्बिशियस पीपल हु आर फॉलोइंग देयर एम्बिशंस। महत्वाकांक्षी हो आप लोग, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, इट्स अ वॉर, एंड एक्ट लाइक वॉरियर्स। ठीक है, तो मेहनत करो यार, जो जी तोड़ मेहनत करो। सब कुछ टेम्परेरी है, सारी चीजें रहेंगी यहीं पे। ठीक है, लीव एवरीथिंग अपार्ट, जस्ट फोकस ऑन योर गेम। ठीक है, मेहनत करो। माई बेस्ट विशेज विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू गेट योर डिजायर्ड ड्रीम्स। ठीक है, चलो। प्लस में ऑल सब्जेक्ट्स तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं सर सब मेरे हों। ठीक है सर, सालमंड का सेकेंड लाइन बता दीजिए अबाउट प्रोसीजर प्लीज। प्रोसीजर हैंडमेड टू जस्टिस वाला बता दिया था। प्रोसीजर हैज टू एक्ट एज लुब्रिकेंट एंड नॉट एज अ रिस्ट्रेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मैं भेज रहा हूं यार, टेलीग्राम भेजा मैंने, कई बार भेजा, भेज रहा हूं, फिर से भेज रहा हूं। चलो ठीक है, ठीक है, चल, ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू गाइस, आई होप इट ऑल वर्क गुड। चलो खत्म करते हैं आप क्लास को। ठीक है, कल मिलते हैं, कल नए कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है,